भी सच। नमस्ते गुरुजी, जय गुरुजी महाराज, जय गुरुजी सत्संगत जी। शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल जूम प्लेटफॉर्म की तरफ से आप सबका बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में भावना ठाकुर आंटी अपना सत्संग शेयर करने के लिए उपस्थित हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका भावना आंटी, ओवर टू यू। जय गुरु जी। भावना आंटी प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ, अपनी वीडियो खोल लें प्लीज। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी भावना आंटी, जय गुरु जी। अंकल आपको मेरी आवाज आ रही है? आंटी आवाज आ रही है, अपनी वीडियो खोल लीजिए प्लीज। जय गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है? आवाज आ रही है बेटा। जय गुरु जी भावना आंटी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी महाराज का मल्टीलिंगुअल ज़ूम प्लेटफॉर्म की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है आपका भावना आंटी। थैंक यू अंकल, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भावना अंकल, भावना आंटी आज का जो इनवाइट है, जो आज का जो शुक्राना गुरु जी वचन है, वो आप हिंदी में आपने देख लिया है, उसको प्लीज रिपीट करेंगे आप? जरा वचन बताइएगा आज का, क्या वचन है आज का? अंकल आज का वचन है कि ज्यादा एक सेकंड। ओके, तो अभी आपकी आवाज कट गई है, प्लीज दोबारा बोलिए। अंकल आज का वचन जो आपने दिया है गुरुजी के महाराज की इच्छा से, वो है किसी भी चीज को बहुत ज्यादा करना अच्छा नहीं है। हाँ जी बिल्कुल ठीक है आपने कहा है, और गुरु परिवार ने बिल्कुल ठीक सुना है। कृपया इसके ऊपर 2 मिनट के लिए व्याख्या कर दीजिएगा गुरु परिवार के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि किसी भी चीज की बहुत ज्यादा करना अच्छा नहीं, उसी के ऊपर गुरु जी के मैं मतलब बहुत अच्छा एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन जो गुरु जी मेरे मैं वही बोलूंगी जो मेरे मन में थॉट आ रहा है। गुरु जी मतलब कोई भी चीज की ज्यादा करना अच्छा नहीं होता, ज्यादा हर चीज की बुरी होती है। जैसे कि ज्यादा साधना करना भी एक अहंकार को पैदा करती है। अगर हम ज्यादा टाइम साधना करते हैं तो हमारे अंदर एक अहंकार आ जाता है कि मैं साधना कर रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, मैं तो उससे हमारा जो मतलब साधना का वो महत्व है वो खत्म हो जाता है। जिस तरीके से पैसे का कहते हैं कि पैसा भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, वैसे ही साधना भी बहुत अच्छी नहीं। जैसे कि मतलब ज्यादा पैसा और ज्यादा साधना, क्योंकि वह अहंकार को पैदा करती है। जो कि मतलब हम काम करें, हम विवेक पूर्वक करें व होश में रहकर करते हैं, वही अच्छा और उचित होता है, वही हमारे गुरु की मर्जी होती है। तो मुझे लगता है कि गुरु जी जो देते हैं वह हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती। मैं तो यही समझी हूँ अभी तक गुरु जी के शब्दों में। ठीक है अंकल? हाँ जी बिल्कुल ठीक आपने बताया है कि किसी भी चीज की अति अच्छी नहीं होती, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अपने सुंदर विवेचना की शब्दों की, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी महाराज का। अंकल मैं अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी की आज्ञा से, क्या मैं इस ग्रुप के बारे में अपने मेरा बेटा कुछ बताना चाहता है, क्या वह जानकारी दे सकता है? हाँ जी प्लीज गो अहेड। बेटा कहाँ पर है? बेटा तो दिख नहीं रहा मेरे को। वाओ, अच्छा, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बेटा अपना नाम, बताओ अपना नाम बताओ बेटा। मेरा नाम अबीर है। ओके वेरी गुड, जय गुरु जी बेटा।
प्लीज गो अहेड. जय गुरुजी. मैं मल्टीलिंगुअल ग्रुप के बारे में बताना चाहूंगा. तो गुरुजी की जो जीवनी थी वो मल्टीलिंगुअल ग्रुप ने 27 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर दी है, इंटरनेशनल और इंडियन दोनों. जो हमारी धार्मिक ग्रंथ है जैसे योगी ग्रंथ और शिव पुराण, वो उनको करी है. शिव पुराण और ऑटोबायोग्राफी, लाइट ऑफ डिविनिटी है वो होली ग्रंथ को ट्रांसलेट करा गया है पंजाबी, बंगाली, मराठी और गुजराती में. जो गुरुजी की वचन है उनकी व्याख्या यहाँ पर 6 सितंबर से स्टार्ट हुई थी इसी साल और अभी तक चल रही है गुरुजी की कृपा से. और यही सब मैं पॉइंट्स बताना चाहूंगा और मैं चाहता हूँ कि मम्मी अपना सत्संग कंटिन्यू करें. बहुत अच्छा बेटा, आपकी मम्मी ने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है. शुक्राना गुरुजी महाराज का मल्टीलिंगुअल ग्रुप के बारे में. थैंक यू. आप अच्छे संस्कारी बच्चे हो, आप बड़े होके खूब अच्छे विद्वान बनो, अच्छी अच्छी पढ़ाई करो. जय गुरुजी, गुरुजी का आशीर्वाद आप पर बना रहे. गुरुजी भावना अंकल, एक और मुझे आज्ञा लेनी है कि मेरी एक छोटी बेटी है 10 साल की, वो भी अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती है. तो पहले मैं आपके सत्संग से पहले उसका बहुत इच्छा है गुरु जी की साथ गुरु जी की महिमा करने का, क्या मैं उसको बोल सकती? ठीक है भावना आंटी, आप प्लीज उनको बोल दीजिएगा बोलने के लिए बेटी को. हाथ को दे दो. जय गुरु जी बेटा. गुरुजी ने मेरे ना मामा है बोली गुरुजी से. गुरुजी अगर 3 दिन में मेरे मामा मेरे घर में सही सलामत नहीं आया ना, तो आप सोच रहे हो कि मेरी ना आपकी एक संगत गई यहाँ से. और पता अंकल गुरुजी इतना गुरुजी को क्या बताऊं कि गुरुजी ने उसी 3 दिन मेरे मामा को सुबह भेज दिया घर पे. और मैं अपनी खुशी पूछा और गुरुजी ने जो महिमा हमारे साथ रखी है अब ये मम्मा बताएंगी. और मेरी लाइफ गुरुजी ने बचाई है. मैंने कोमा में चली थी और मेरी मम्मा ने लगाया. और अंकल मेरे ना मैं खुद ठीक हुई हूँ और घर पे आके आराम से रेस्ट करके देखो अब मैं क्या हो गई. और अब देखो मैं सेवा बहुत करती हूँ, मम्मा की हेल्प करती हूँ. तो यही मेरे सत्संग चैलेंजेस का. वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा बेटा. जय गुरुजी बेटा, जय गुरुजी. आपको गुरुजी ने बचाया बेटे जब अब बहुत छोटे थे. जय गुरुजी बेटा. आवाज आ रही है? हाँ जी आंटी आवाज आ रही है. आंटी अपना सत्संग शेयर कर दीजिए. हाँ जी आवाज आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलें. हाँ आवाज आ रही है. अंकल मेरी बेटी का सत्संग ये था कि उसने मतलब हमें सत्संग में बैठे थे, सुमन आंटी है उनका सत्संग में बैठे हुए थे. और मुझे अलीगढ़ से फोन आया कि मेरे भैया की बहुत तबीयत खराब है और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है.
तो उनको एम्बुलेंस से लेके आया जा रहा था, मैं सत्संग में बैठी हुई हूँ तो मेरा दिमाग ना पूरा तीन दिन के अंदर अंदर मतलब या तो मेरे माँ से उसने गुरुजी को बोला, और आप यकीन मानोगे उन्होंने 15 दिन से कुछ नहीं खाया कुछ नहीं पिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। कुछ भी नहीं था और उनको मतलब गुरुजी ने इतना बख्शा, इतना बख्शा कि वो 3 दिन में ठीक होके आ गए घर। तो गुरुजी ने अपने बच्चों की लाज रखी। अंकल आपको आवाज आ रही है? जय गुरुजी, बिल्कुल आवाज आ रही है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। हाँ जी, तो गुरुजी ने मतलब उसी दिन ना मुझे जो आंटी के घर में गद्दी लगी है उसमें गुरुजी ने ब्रह्मा विष्णु महेश इन तीनों पर मुझे बहुत कभी दर्शन होते नहीं है, लेकिन उस दिन गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए और आंटी ने मुझे गुरुजी के चरणों के फूल दिए थे, जिसकी मेरे भैया कुछ खा नहीं सकते थे तो उन्होंने वो फूल दिए, तो मैंने वहाँ पे तकिए के नीचे रख दिए थे। तीसरे दिन वो 3 बजे मेरे घर आ चुके थे और फिर मैंने अपने भैया को बोला कि सुमन आंटी के घर सत्संग में चलोगे? उन्होंने बोला कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मेरी तबीयत खराब है, लेकिन मैंने उनको जल्दी लेके चली गई। लेके जब गई तो अंकल आप यकीन मानोगे मैं सेवादार से जाके बोल के आती हूँ कि प्लीज अंकल जरा थोड़ा थोड़ा दीजिएगा क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। उस दिन पहली बार मेरे भैया ने 5 चपातियां प्रसाद खाए और सब्जी खाई, मतलब मैं हैरान थी। और अंकल कोई भी बीमारी कुछ भी भैया को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, जबकि भैया घर में आके कुछ भी नहीं खा पा रहे थे। तो ये मेरी बेटी का सत्संग है जो उसका गुरुजी के साथ हुआ था। अब मैं अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ कि मैं गुरुजी के साथ कैसे जुड़ी थी। जय गुरुजी, जय गुरुजी। अंकल मेरी बेटी 6 मंथ की थी तब मैं गुरुजी के मतलब हमारे सूर्य अपार्टमेंट में सत्संग हुआ करते थे। तो सत्संग में ना मतलब बहुत सारी आंटियां बहुत सुंदर सुंदर अच्छे अच्छे ड्रेसेस पहन के इतनी सुंदर सुंदर बन के आया करती थी। तो मैं सोचती थी ये लोग कहाँ जा रहे हैं, तो बस देख देख के आंटियों को उस मतलब बार को मेरी इच्छा होती थी कि मैं भी वहां जाऊं, लेकिन मेरा कभी हो नहीं पाया क्योंकि मेरी बेटी 6 मंथ की थी। क्या होता है कि मैं तो अंकल ने बोला को लेके चले जाओ, मैंने बोला नहीं मैं तो कोई मुझे टोक ना दे इसलिए मैं नहीं जाना चाहती थी। तो पहले दिन मैं जब गई तो गुरुजी के दरबार में मैं पूरा चक्कर काट के आ गई। मैंने देखा कि कोई गुरु बैठा है कि नहीं बैठा, कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा, लोग बहुत आ रहे हैं लेकिन मुझे कुछ और नहीं दिख। जय गुरुजी आंटी, मुझे पहली आंटी आवाज क्लियर नहीं आ रही। आंटी जय गुरुजी आंटी, भावना आंटी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ी सी जरा एडजस्टमेंट देख लीजिए अपने एंड पे, जरा आवाज कट रही है थोड़ी सी। अंकल आवाज आ रही है? स्पष्ट नहीं आ रही है, थोड़ा सा आगे हो जाइए ना, थोड़ा सा अपना फोन को फोन की एडजस्टमेंट उसी हिसाब से कर लीजिएगा। थोड़ी सी कोशिश करनी है और जय गुरुजी। बेटा अभी नहीं आ रही आवाज, हेलो हेलो हेलो
जय गुरु जी। बाबर आंटी जय गुरु जी। अंकल आवाज आ रही है? हेलो। थोड़ी सी आ रही है लेकिन स्पष्ट अभी भी नहीं है। एक सेकेंड अंकल। अंकल आवाज आ रही है? हाँ जी अभी आ रही है। जय गुरु जी। अंकल अब शुरू करूँ अपना सत्संग? हाँ जी शुरू कर दीजिएगा प्लीज। जय गुरु जी। अंकल जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब मैं गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी और मैंने मतलब हमारी सोसाइटी में महीने के सोमवार को पहले सोमवार को यहाँ पे सत्संग हुआ करता था। तो जब बहुत सारी गाड़ियां जिन पे जय गुरुजी लिखा हुआ होता था मैं उनको देख के बड़े खुश होती थी। वहां से आंटियां उतरती थी, मैंने सोचा कि बहुत अमीरों का सत्संग है और मतलब उसको देखती थी मतलब कितनी सुंदर सुंदर आंटियां आ रही है। तो एक दिन मन किया कि इतना सुंदर मतलब सब आंटियां कहाँ जा रही हैं देखती हूँ। तो जिस कम्युनिटी हॉल में होता था सत्संग मैं उसमें मतलब जाने लगी। मैंने उसमें चारों तरफ से देखा, मुझे कोई कुछ नजर नहीं आया। मैंने फिर कोशिश की एक बार खुद जाने के लिए, मुझे इन्वाइट आया कि भाई आपको सत्संग में आना है। तो मैंने कहा ठीक है। मैं अपने हस्बैंड को पहली बार पूछा कि मैं जाऊं कि नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं बेटी को लेके जाना। मैं पहली बार बेटी को लेके नहीं गई, गुरुजी ने अंदर ही नहीं एंट्री की। दोबारा दूसरे महीने गई उसको नहीं लेके गई थी, फिर गुरुजी ने मेरी एंट्री नहीं की और मैं दरबार में पहला कदम रख लिया लेकिन मेरी फ्रेंड ने मुझे वहां से खींच लिया और कहती है कि ये तो बुढ़े लोगों के लिए सत्संग होता है और चलना आप बैठ के बातें करेंगे। अंकल मैंने 2 घंटे नीचे ऐसे ही बिता के चली गई लेकिन गुरुजी की आज्ञा नहीं थी। तीसरे महीने में मैं अपनी बेटी को लेके गई और गुरुजी ने वहां पे अपने दरबार में मुझे बुलाया, बिठाया, वहां पे प्रसाद खिलाया। तब तक मैं गुरुजी की महिमा को नहीं जानती थी कि गुरुजी मतलब महाशिव है या क्या है। बस मैं ये देखती थी कि वहां सुंदर सुंदर आंटियां आती हैं, बहुत सुंदर गुरुजी का दरबार लगा हुआ है। मुझे किसी ने गुरुजी के बारे में बताया नहीं था लेकिन मैं बस वहां उसकी खूबसूरती को देखने के लिए गई। ऐसे मुझे पता चला 7 मंथ पे 8 मंथ पे कि मेरी बेटी को कैंसर डायग्नोज हुआ था। अंकल आवाज आ रही है? जय गुरुजी। आंटी आपकी वीडियो बंद है बहुत देर से, आवाज तो आ रही है। हाँ वो अंकल मैंने माइक को अपने बिल्कुल मुंह के पास रख के कि आवाज आनी चाहिए वीडियो का, मुझे लगा कि बंद कर देती हूँ। जय गुरुजी। ओके जय गुरुजी। तो अंकल फिर मतलब जब मैं गुरुजी के पास गई तो मुझे तब तक पता कुछ भी नहीं था और मेरी बेटी को मुझे पता चला कि कैंसर डायग्नोज हुआ है। मैं इतना परेशान हो गई क्योंकि मुझे ना समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरी जिंदगी में क्या हो गया। हमारे किसी खानदान में इतनी बड़ी बीमारी किसी को थी नहीं, ये कैसे हो गया, मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया। तो मैंने ना उस वक्त भगवान से प्रेयर की कि भगवान कैंसर ना हो, चाहे कुछ और भी हो जाए, क्योंकि कैंसर हमारे लिए उस वक्त इतना बड़ा हुआ था कि हम समझ ही नहीं पाएंगे कि वो क्या हो गया हमारे साथ, कि 7-8 महीने के बच्चे को ऐसे कैसे हो सकता है। ये सब चलता रहा। गुरुजी के पास मैं हर महीने पहुंचती रही। एक दिन पता चला एम्स में जाके कि उसको मतलब कैंसर नहीं है, उसको थैलेसीमिया है। अब कहते हैं ना कि मांगना नहीं चाहिए, तो गुरुजी से पहली बात तो सॉरी गुरुजी कि मैंने उस वक्त ये कहा कि कैंसर ना हो गए कुछ और हो जाए, तो गुरुजी ने बदल दिया। लेकिन वो उससे भी ज्यादा खराब बीमारी थी। डॉक्टर ने बताया कि ये कैंसर से भी ज्यादा बीमारी खराब है, कैंसर का इलाज है और इसका इलाज भी नहीं है। मैं बहुत रोई बहुत रोई। उस दिन समझ में आया कि मतलब मांगना कितना खराब होता है। लेकिन जैसा जो हो चुका था उसके आगे कुछ भी नहीं कर सकते थे। मैं धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग में जाती रही। तो वहां पे गुरुजी के सत्संग में ना बहुत सारे लोग अपना सत्संग शेयर करते थे। उस वक्त मुझे ये भी नहीं पता होता था कि सत्संग शेयरिंग होती क्या है। मुझे लगता था ये लोग ना ऐसे झूठ बोल रहे हैं, किसी भी गुरु की ऐसी महिमा करने के लिए ये सिर्फ अपने बारे में बता रहे हैं कि यहाँ पे कैंसर ठीक होते हैं, यहाँ पे ये प्रॉब्लम ठीक होती है। किसी ने बताया कि बड़े मंदिर कैसे बना था, कि सांप आते थे, ये होता था, लेकिन मुझे किसी भी चीज पे विश्वास नहीं आता था। एक अंकल थे जो मेरे आगे बैठे थे, वो मेरी बेटी को ना बार बार परेशान कर रहे थे, मतलब छेड़ रहे थे कि छोटी बच्ची है देख के। तो मैं ना रोती थी कि मतलब मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा अंकल प्लीज आप इसे परेशान मत करिए,
ये हम मैं तो वैसे ही बहुत परेशान हूँ। कहते क्या हो गया, मैंने बोला कि मेरी बेटी को मेजर थैलेसीमिया है। कहते हैं कि कोई बात नहीं गुरुजी ठीक करेंगे। मैंने फिर कहते मैं बोला ठीक हो जाएगी, कहते हाँ जी। मैंने कहा ऐसे कैसे, कहते कि नहीं ठीक हो जाएगी। फिर उन्हीं के फैमिली मेंबर थी तो मैंने उनसे पूछा कि क्या सच में मेरी बेटी ठीक हो जाएगी या ऐसा कुछ होता है। उन्होंने कहा हाँ आंटी यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। लेकिन मुझे यकीन नहीं था और ना मुझे किसी गुरु पे यकीन था ना कुछ था। बस मेरे को वहाँ पे अच्छा लगता था, वो जो आंटियां आती थी, जो दरबार सुंदर लगता था, वहाँ का समोसा प्रसाद, या मैं तो सिर्फ समझ लीजिए कि खाने के लिए जाती थी। उस वक्त मैं चाय प्रसाद भी नहीं पीती थी। चाय प्रसाद ना मैं उसमें उंगली डाल के देखती थी, ठंडा हो गया, अपनी बेटी को पिला दिया। हमेशा बस यही करती थी। लास्ट में 6 महीने बाद गुरु जी की कृपा से मुझे डॉक्टर ने बोला आपने इसका बोन मैरो टेस्ट कराया है। मैंने बोला नहीं आपने तो नहीं बोला था। कहते नहीं आप टेस्ट कराओ अगर आपके पास सेकेंड बेबी है तो। मैंने कहा हाँ मेरे पास बेटा है। तो मैंने मैच कराया, मेरे बेटे के साथ मैच करा दिया गुरुजी ने। अब देखिए गुरुजी ने मतलब आज का वचन, जो आज का शब्द था वो था कि मतलब आपके साथ मतलब तू फिक्र ना कर बंदिया, मैं हूँ नाल तेरे। मैं समझ ही नहीं पाती थी उन मतलब वचनों का कि वो क्या गुरुवाणी है, क्या शब्द है। बस मुझे वहां जाके अच्छा लगता था। अपने घर से कलेश में परेशानी से जाती थी और वहां जाके मुझे अच्छा लगता था। लेकिन मुझे उन वचनों का मतलब नहीं पता था, लेकिन एक अजीब सी शांति मिलती थी। गुरुजी की महिमा हुई कि बोन मैरो मैच हो गया। मैच होने के बाद गुरुजी ने फिर एक चमत्कार दिखाया। डॉक्टर ने कहा कि आप पैसे कैसे अरेंज कर रहे हो। मैंने कहा कि हम अपना घर बेचेंगे और हमारे पास जमीन है, हम बेच देंगे और इलाज कराएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो गुरुजी की कृपा देखिए कि ये गुरुजी की ना प्लानिंग कब से चल रही थी। मेरे हस्बैंड का बैंगलोर में पैन कार्ड खो गया था। अंकल आवाज आ रही है? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आंटी? अच्छा अच्छी आवाज। देखिए गुरु जी की महिमा को देखिए कि मेरे हस्बैंड का, क्योंकि हम लोग बैंगलोर में रहते थे, तो मेरे हस्बैंड का बैंगलोर में ना पैन कार्ड खो गया था। और उस वक्त समझ ही नहीं आया कि पैन कार्ड क्यों खोया। कोई बात नहीं, एम्स की फाइल मेरे पास रखी थी और एक बार टाइम्स ऑफ इंडिया में एक पैम्पलेट आया जिसमें पैन कार्ड का वो आया हुआ था कि पैन कार्ड बनवा लीजिए 300 रुपीज में। तो मेरे हस्बैंड ने उसको कॉल करके बोला कि आप मेरा पैन कार्ड बना जो है। तो छोटी सी बात की भाई पैम्पलेट आया है, और मेरे हस्बैंड ने बोल दिया और वो चले गए। और उन्होंने उनको बोला कि मेरी मैडम मिलेंगी, आप उनको बस कर लेना। जब पैन कार्ड बनाने के लिए आया बंदा तो कहते हैं मैडम ये किस चीज की फाइल है। मैंने बोला ये एम्स की फाइल है। कहते कि क्या हो गया। मैंने कहते आपको कुछ हुआ। मैंने कहा नहीं, मेरी बेटी को ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है और ऐसे ऐसे बात है। तो वो बंदा अपना पैन कार्ड तो उसने मेरा बनाया ही बनाया, लेकिन उसके साथ देखो गुरुजी की महिमा कि उन्होंने मुझे एक पर्सन का नंबर दिया जिसको मैं आज तक नहीं ये जानती कि उन्होंने मुझे मतलब एक नंबर दिया। कहते हैं मैडम आप ना इनसे बात करो, ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो मैंने सोचा वो मेरी क्या हेल्प करेंगे, लेकिन फिर भी मैं मरता क्या ना करता मैंने उनका नंबर ले लिया। नंबर लेने के बाद मैं उनको फोन किया, फोन मिल नहीं रहा है, 3-4 बार किया नहीं मिला। लास्ट में उनका कॉल बैक मेरे पास आया, कहते हाँ जी। मैंने कहा मुझे किसी ने आपका नंबर दिया है और ऐसे ऐसे मेरी बेटी की तबीयत खराब है और मुझे आपकी हेल्प चाहिए। अंकल पता है वो जिस बंदे से मैंने बात की आज से 10 साल पहले, ना मैंने आज तक उसे तब देखा था ना आज भी, लेकिन कॉल पे मेरी बात होती रही और उस बंदे ने मुझे मतलब रास्ता दिखाते गए और मैं उस रास्ते पे चलती गई। उन्होंने बोला आंटी आपको किस वो मैडम आपको किसी को कोई पैसा नहीं देना, कुछ नहीं करना, आप जो जो मैं कहता जा रहा हूँ आप वो कर लो, और अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो मैं आपके हेल्प के लिए आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे जैसे वो रास्ता दिखाते गए मैं वैसा वैसा करती गई। तो मेरे गुरुजी ने ना 9 लाख का मुझे एस्टिमेट दिया था कि जो चाहत का बोन मैरो ट्रांसप्लांट होना है वो 9 लाख का होगा। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया और मैं उस रास्ते पे चलती गई। निर्माण भवन का रास्ता मिला, ऐसे धीरे 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 रास्ते गुरुजी ने मेरे को 9 लाख गुरुजी ने पास करा दिए गवर्नमेंट की तरफ से, जबकि मैं उस लाइन में कहीं आती भी नहीं थी।
कि मतलब ना मैं शेड्यूल कास्ट हूँ ना मैं किसी इसमें आती हूँ, लेकिन मैं गुरुजी की संगत हूँ। ये सिर्फ मेरे गुरुजी ही कर सकते थे उस वक्त, तो मैं ये भी नहीं कह सकती गुरुजी कर, लेकिन गुरुजी ने, कहते हैं ना जब गुरुजी जुड़ते हैं तो गुरुजी अपने चमत्कार इतने दिखाते हैं कि आप उनके दीवाने हो जाओ। लेकिन जब आपका वो टेस्ट लेना शुरू करते हैं तो वो आपको भी नींबू की तरह ही निचोड़ते हैं। गुरुजी ने मेरे 9 लाख पास कराए और मेरी बेटी का बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर स्टार्ट करा दिया। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी। नहीं, शुक्राना गुरुजी की, इतना बड़ा जो मैंने अमाउंट कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। और जो मतलब आप सोचिए कि गुरुजी ने किस किस को कैसे कैसे, जो डॉक्टर थी उसके बेटे की शादी थी, और जो निर्माण भवन में जो ऑफिसर थी, मेरे पास कोई पैन कार्ड नहीं था, मेरे पास कोई आधार कार्ड नहीं था उस वक्त, तो मैं फिर भी मतलब मैं एम्स से जाती थी, और वहां पे तो एक आंटी मतलब एक पुलिस वाले थे, उनका नाम था श्रीराम, इस तरीके से था। तो मैं मतलब उनके पास गई, मैंने बोला सर मेरे पास कोई आधार कार्ड नहीं है, मैं निर्माण भवन में कैसे एंट्री करूं। उन्होंने बोला कि कोई बिना आईडी के आप जा ही नहीं सकते हो। मैंने कहा लेकिन मैं तो जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं नहीं जानती कि मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे बस जाना है। तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूं और तुम उसको कॉल करो। मैंने बोला ठीक है। तो उन्होंने मुझे, एक मंजुला माथुर मैम है, उनका नंबर दिया, और वो खाना खाने के बाद अपनी शॉपिंग करने, वहां पे कोई शॉपिंग की जगह होगी, वो करने गई। मैंने जब उनको कॉल किया, आंटी मुझे ना आपसे बात करनी है। कहती है क्या बात करनी है। मैंने बोला आंटी मैं एक फाइल लेके आई हूँ, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो। कहती आपको मेरा नंबर किसने दिया। मैंने बताया कि इन अंकल ने नंबर दिया। कहती है अच्छा तुम लगती तो नहीं हो गरीब हो। तो मैंने कहा हाँ आंटी मैं गरीब नहीं हूँ, लेकिन क्या होता है कि अमीरों के लिए भी भगवान है और मतलब गरीबों के लिए भी है, लेकिन जो बीच में होते हैं ना मीडियम फैमिली वाले, उनकी प्रॉब्लम है। उनको शायद वो मेरी बात छू गई और उनको लगा कि मैं मतलब फ्रॉड नहीं हूँ, उनको मेरी जेन्युइन बात लगी। उन्होंने मुझे अपने ऑफिस में अपने साथ एंटर किया, वो गजिस्टर ऑफिसर थी, उन्होंने मुझे एंटर किया और सारे लोगों को ये बता दिया ये मेरी बेटी है, ये जब भी आएगी इसको कोई रोकेगा नहीं। और उन्होंने मुझे इस तरीके से अपने पूरे निर्माण भवन में मुझे हर बंदे से मिलवा के कर दिया। अब मैं अपनी फाइल लेके जाने लगी, टेस्ट मतलब सारे काम हो गए। अब उन्होंने बोला कि इस फाइल पे सिग्नेचर चाहिए गजिस्टर ऑफिसर के। तो मैंने बोला कि अब मैं वो कहाँ से कराऊं। तो जो बंदा था उसने बताया कि जिनके साथ तुम घूम रही हो, जो आपको बेटी कह रहे हैं, वो भी तो ऑफिसर ही है। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैं उन आंटी के पास गई, मैंने कहा आंटी वो ऐसे ऐसे साइन करने के लिए बोल रहे हैं, मैं क्या करूं। तो आंटी ने बोला कि ला मुझे दे मैं करती हूँ। तो मैंने कहा आंटी लेकिन ये जो मेरा राशन कार्ड है ये तो नकली है, कहीं आप पकड़े गए या आपके साथ कुछ नुकसान हुआ तो। कहते हैं कोई बात नहीं गुरु जी है ना, और उन्होंने मेरे उस पे साइन कर दिया। और जबकि मैं डर रही थी कि मतलब साइन मतलब गलत तो नहीं है, कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी छोटी सी चीज के लिए उनकी इतनी बड़ी नौकरी चली जाए। लेकिन उन्होंने मुझ पे कहा कि मुझे तेरी आंखों में सच्चाई नजर आती है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं साइन करती हूँ, अगर नौकरी जाएगी तो भी कोई बात नहीं। और उन्होंने वहां से मेरी फाइल आगे बढ़ाई, एम्स में फाइल गई। तो डॉक्टर्स ने मुझे, इतने सारे डॉक्टर्स की टीम ने मुझे बुलाया, कहते हैं ये कैसे पास हो गया, यहाँ से कैसे हो गया। मैंने उनको सच बताया कि डॉक्टर मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं इलाज कराना चाहती हूँ। उन्होंने वहां से फाइल पास कर दी। अब एक डॉक्टर का साइन होना था, उसके बेटे की शादी थी। अब गुरु जी ने मतलब देखो ना कि उसके बेटे की शादी है और लेडी संगीत है कि वो क्यों आएगी, छुट्टियों पे चल रही है। लेकिन उस साइन के बिना मेरा काम आगे नहीं होना। जो मंजुला माथुर मैम थी उन्होंने उस डॉक्टर को फोन करके बोला कि मेरी बेटी का काम नहीं रुकेगा आपकी वजह से, आप आओ। तो उन्होंने वो अपना संगीत छोड़ के मेरे पेपर पे साइन करने आई। इस तरीके से गुरुजी ने मेरे 9 लाख रुपए पास कराए। शुक्राना मेरे मालिक, इतना बड़ा मतलब मुझ पर एहसान करने के लिए। मतलब ये तभी मुझे दिखा दिया था कि फिक्र न कर बंदिया, मैं हूँ नाल तेरे। मतलब हर शब्द का ना मतलब, जो शब्दों में मतलब हम सुनते हैं ना शब्द गुरुवाणी, उनके मतलब गुरुजी मुझे वहां सिखा रहे थे। मैं वहां से आई, फिर उसके बाद मेरी बेटी का ट्रीटमेंट शुरू होने लगा। ट्रीटमेंट शुरू हुआ उसके बाद इतनी हालत खराब हो चुकी थी कि वो कोमा में जा चुकी थी। रात को 12 बजे वो कोमा में चली गई। मेरे हस्बैंड को मैं बोलती थी थोड़ा जल प्रसाद दे दूं क्या,
वो मना करते थे, कहते हैं नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स ना मेरी बेटी को सिर्फ मेरे हस्बैंड के साथ ही रहती थी। 3 महीने तो मैं जाती थी सुबह 8 बजे और शाम को 4 बजे वापस आ जाती थी। उस वक्त मेरी बेटी सिर्फ 1.5 से 2 साल की थी, लेकिन मेरे हस्बैंड पूरा टाइम उसके साथ रहते थे। जब बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ तो एक कमरे में उनको बंद कर दिया गया और मैं शीशे में से देखती थी सिर्फ अपनी बेटी को, उसके अलावा मेरे को देखने के लिए भी वो नहीं देते थे। मैं सुबह जाती शाम को, मेरा बेटा ये जो आप इस वक्त 10th में है वो उस वक्त 7 ईयर्स का था सिर्फ, तो मैं सुबह जाती थी, एक बच्चा मेरा बीमार है और दूसरे बच्चे को मैं ऑलरेडी खुद जाके कह रही हूँ कि गुरुजी मतलब इसको भी बोन मैरो इसका लिया जा रहा है। मैं समझा नहीं सकती कि वो मेरा कैसा टाइम था। मैं उस वक्त गुरुजी को भी नहीं मानती थी, लेकिन जिनके थ्रू मैं जुड़ी थी, मोना कपूर आंटी, उनको भी मैं आज दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ऐसे गुरु से जोड़ा जिन्होंने मुझे इतने अच्छे तरीके से इतना प्यार से रखा। मैं एम्स का स्टाफ इतना अच्छा था कि मेरी बेटी जो थी ना उसको कभी मेरी कमी महसूस नहीं होती थी। 1.5 साल का बच्चा अकेले पापा के साथ रुकता था, कभी कभी उसको हगीज की जरूरत पड़ती थी क्योंकि उसके ना एक लाइन लगी हुई थी, उससे वो बेड से 24 घंटे में उतर नहीं पाती थी, तो उसको पॉटी शुशु सब बेड पे कराना पड़ता था। एक दिन उसकी हगीज खत्म हो गई, मेरे हस्बैंड फोन करके कह रहे हैं भावना मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूं। पता नहीं गुरुजी ने मेरे साथ कैसे मिरेकल दिखाया कि उसके सामने वाले रूम में एक लेडी थी जो अपने हस्बैंड को लेके आई हुई थी, उससे मेरी जान पहचान हुई, बातें हुई, मेरी बेटी इतनी बातें करती थी तो उसको मेरी बेटी बहुत अच्छी लगती थी। मैंने उनको कॉल किया, रचना एक बार आप जाके मेरी बेटी को संभाल लो, तो मेरे हस्बैंड बाहर से जाके कुछ सामान ले आएंगे, कहती है ठीक है। उसने मेरी बेटी को संभाला, शुक्राना मेरे मालिक कितनी अकेली जगह में आपने मतलब एक और माँ को वहां पे भेजा। सबको भगवान ना सिर्फ 2 फैमिलियां देता है, एक ससुराल वाली एक मायके की, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी सारी फैमिली दी है। एक सूर्या फैमिली जिस सोसाइटी में मैं रहती हूँ उन्होंने मेरे बड़े बच्चे को मतलब जो 7 साल का बच्चा था उसको संभाला हुआ था। एक जो एम्स में जो सिस्टर्स थी सारी उन्होंने मेरी बेटी को संभाला हुआ था। एक गुरु संगत जिन्होंने मुझे संभाला हुआ था कि मेरा विश्वास नहीं मतलब था या नहीं था गुरुजी पे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं गुरुजी को नहीं मानती थी, लेकिन उस वक्त मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मैं नहीं मानती। मुझे कोई कहता था दरगाह चले जाओ, मैं दरगाह चली जाती थी, गुरुद्वारे चले जाओ, मैं गुरुद्वारे चली जाती थी रोज का ये। मैं फिर अपने उसी सत्संग पे आती हूँ कि गुरुजी ने मतलब ये रात को 12 बजे कोमा में आई है और मेरे हस्बैंड ना इतने परेशान हो गए कि जल प्रसाद रखा हुआ था और उन्होंने फट से ना मतलब पूरे झाग निकल आए हैं, आंखें एक तरफ रह गई हैं, कुछ भी नहीं पता चल रहा कि उसको कोई सेंस ही नहीं बचा था। तो मेरे हस्बैंड ने सारा जो जल प्रसाद था उसे अपने मतलब उसके पूरे पैरों पे हाथों पे उसके शरीर में मल दिया, क्योंकि पिलाने की हिम्मत तब भी नहीं कर पा रहे थे, वो विश्वास गुरुजी पे तब भी नहीं आ रहा था कि हम उसको पिला पाए, लेकिन उन्होंने उसको सारे पे मला। सुबह 6 बजे गुरुजी ने उसको होश में लाया, शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना कि मतलब मेरे बच्चे के लिए आप वहां बैठे हुए थे, जो उसकी लाइनें लगी हुई थी इतनी सारी लाइनें लगी हुई थी कि आप जाल की तरह थी कि आप उसको देखते तो आप समझ भी नहीं पाते कि उतनी सारे जाल लगे हुए थे कि एक बंद करनी है एक चालू करनी है। मेरे हस्बैंड के अलावा वो कोई कुछ कर ही नहीं सकता था। जितने मेरे हस्बैंड ने मतलब गुरुजी के साथ रहते हुए, वहां पे एक गुरुजी का छोटा सा स्वरूप था मोना कपूर आंटी ने मुझे दिया था, मैंने उस जगह वहां रख दिया था जबकि डॉक्टर्स मना करते थे कि इसमें कुछ भी बाहर का नहीं जाएगा। मैंने बोला ये तो जाएंगे ही जाएंगे, मुझे आप नहीं जाने देते हो कोई बात नहीं, लेकिन आप प्लीज ये रख लो। उन्होंने वहां रखा होता है जो कि गुरुजी के मतलब चाहत को देखते रहते थे। गुरुजी सिर्फ चाहत 9 किलो की रह गई थी, उसके बाल उड़ गए थे, उसके कोई मतलब शरीर पे ना इतने बाल आ चुके थे, सर के बाल उड़ गए थे, गंजी हो गई थी, काले जैसे तवा नहीं होता वैसे तवे की तरह काली हो गई थी। बोन मैरो में कितनी सारी हालत खराब होती है, मेरी बेटी की कोई बचने की उम्मीद नहीं। लास्ट डे डॉक्टर ने बोला कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, भावना प्लीज मतलब एक डॉक्टर होता है उम्मीद देता है नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो डॉक्टर थे डॉक्टर मुकुल वो हमेशा मुझे कहते थे तुम ये मत सोचो कि हाथी निकल गया पूछ रहे गए, नहीं अभी तो बहुत परेशानी है, अभी तो बहुत नहीं। वो मेरे को हमेशा डराते रहते थे तो मैं कहती थी डॉक्टर प्लीज कुछ अच्छा बोला करो डॉक्टर। वो कहते हैं कि अच्छा अगर हो जाए
तो ऊपर वाले की मर्जी, लेकिन आपको बुरे के लिए तैयार करना मेरा काम है। मैं सोचती थी सारे डॉक्टर्स तो कहते हैं कि अच्छे के लिए तैयार करना हमारा काम है, लेकिन चलिए गुरुजी की मर्जी थी। मैं इतनी रोती हुई अपने घर वापस आई जब मेरी बेटी की हालत खराब थी, तो मेरी सोसाइटी की एक मतलब फ्रेंड है, उसने मुझे बोला कि मैं तुम्हें बंगला साहिब लेके चलती हूँ और तुम परेशान मत हो। वो सुबह 4 बजे हम बंगला साहिब गए, बंगला साहिब से हमने वहाँ जल प्रसाद लिया, हलवा प्रसाद लिया, खा के सुबह 6 बजे घर वापस आके फिर मैं हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल जाके वही जल प्रसाद जो डॉक्टर ने बोला था कि अब ये बचने की उम्मीद नहीं है और बिल्कुल खराब हो चुका है इसका सब कुछ, अगर ये जो लास्ट दवाइयां काम कर गई तो कर गई, अदरवाइज मतलब हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वो जल प्रसाद ना, फिर मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मरना तो तय है ही उसका, और हमने भी मांग लिया था कि गुरुजी इतने बुरे हालातों से तो अच्छा है ना कि आप उसको ले लो, क्योंकि हम उसको देख रहे थे पल पल मरते हुए, पल पल मरते हुए। तो मैंने यही कहा, गुरुजी कोई बात नहीं, आप इसको इतना कष्ट मत दो, आप इसको ले लो जैसे चाहो, मैं आपकी रजा में राजी हूँ। और लेकिन गुरुजी को अपना चमत्कार दिखाना था ना, कहते ना कि सरेंडर, तो गुरुजी को मेरा भी चाहिए था ना। तो मेरे हस्बैंड ने वो जल प्रसाद इसके मुंह में डाला, इसके मतलब पहली बार, मतलब आप समझिए कि 84 का वो जो हगीज का पैकेज होता है, मतलब वो एक एक दिन में जाता था। मेरे हस्बैंड एक हाथ से पॉटी का मतलब वो डायपर चेंज कर रहे हैं और एक हाथ में मग्घे का लेके बैठे हुए हैं। मेरे हस्बैंड 96 आवर सोए ही नहीं जी, मतलब इतनी हिम्मत उनको दी कि उसका मतलब लास्ट में ना डॉक्टर्स को ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में आ जाए। और 19 सितंबर को आप मतलब सुरेश अंकल आपने एक बार बोला था ना मुझे कि आपका सत्संग 24 नवंबर का है, मैंने बोला जैसी गुरुजी की मर्जी, क्योंकि 24 नवंबर को चाहत का डायग्नोस हुआ था, डायग्नोस हुआ था, और मैंने ये बाद में मतलब रियलाइज किया था। और 19 सितंबर को मेरी बेटी को मतलब बॉर्न मेरे 21 अगस्त को हुआ था, और 19 सितंबर को मेरे हस्बैंड को इतनी बुरी हालत हो चुकी थी कि डॉक्टर्स ने उनको नींद का इंजेक्शन देके सुला दिया, और वो सिर्फ 6 घंटे सोने के बाद एकदम पागलों की तरह उठते हैं, क्या हुआ, मैं कैसे सो गया, मैं कैसे सो गया, जबकि सारी सिस्टर वहीं पे खड़ी हुई थी, क्योंकि उसकी एक भी दवाई को ना एक मिनट के लिए भी उधर उधर नहीं कर सकते थे, तो वहां पे एक 24 घंटे के लिए चाहिए था। सिस्टर ने बोला कि नहीं भैया मैं थी, आप परेशान मत हो। और अंकल सोचिए, मेरा बच्चा 7 साल का ऊपर बॉर्न मरो के लिए ऑपरेशन हो रहा है उसका, और नीचे 5th फ्लोर पे मेरी बेटी, और मैं 6th फ्लोर पे हूँ वेटिंग एरिया में कि मुझे नीचे से आवाज दी जाएगी कि ऊपर से, और मैं दोनों में से किसी के पास भी नहीं हूँ, लेकिन मैं घबरा रही। मैंने तभी उस वक्त गुरु जी का बस मंत्र जाप किया, ऐसा नहीं था कि मैं मानती थी गुरु जी को, मैं मानती बिल्कुल नहीं थी, लेकिन बस किसी और के विश्वास पे विश्वास दिखा रही थी कि नहीं हो जाएगा सब ठीक होगा। मैंने मंत्र जाप करना शुरू किया, ऊपर से मुझे आवाज लगाई गई कि अभीर सिंह के साथ कौन है। मैं गई, अंकल मैं इतना रोई, मेरा बेटा जो मेरे हाथों से चल के गया था वो वहां पे नाक से उसके तार पड़े हुए हैं, हाथों में उसको तार वार लगे हुए, इतना बुरे हालत में और आईसीयू में, कि मतलब जो बच्चा ठीक था अभी ये कैसे हो गया, ये क्या कर दिया मैंने। लेकिन मेरा बेटा इस चीज के लिए इतना तैयार था कि मुझे अपनी बेटी को मतलब अपनी बहन को ठीक करना है, और गुरुजी ने उसका विश्वास रखा। हम वहां से निकले आगे, जब चाहत को हम 19 सितंबर के बाद 2 अक्टूबर या इसमें लेके आए, तो उस दिन सैटरडे था और हमारे यहाँ पे मंथ का 1st मंडे सत्संग होता है, तो मतलब चाहत का किसी के साथ मिलना अलाउ नहीं था, लेकिन उसको नीचे डॉक्टर ने बोला था कि वॉक कराना है। अब 9 किलो का बच्चा रह गया है, ना कुछ भी उसमें है नहीं, चाहत ने शीशा देखना बंद कर दिया क्योंकि वो इतनी काली हो गई थी, और जैसी वो इतनी प्यारी सी थी, लेकिन उसने ना हमने सारे शीशे हटा दिए, उसको कच्चा खाने के लिए मना था, तो हमने अपने घर में कच्चे फ्रूट्स वगैरह, मेरे बच्चे ने मतलब जो मेरा बेटा है उसने भी नहीं खाया, मेरे हस्बैंड ने जो जो वो खाती थी वही मेरे हस्बैंड खाते थे। तो गुरुजी ने बहुत परीक्षाएं ली। इसके साथ साथ मैं एक सत्संग भूल रही अंकल, एक दिन क्या हुआ कि चाहत के बेड के मतलब उसमें 6 बेड थे उस टाइम पे, 4 चाहत के साथ के बच्चे खत्म हो गए एक साथ, एक एक घंटे पे खत्म हो जा रहे हैं। मैं घर में बैठी हुई हूँ,
मेरे हस्बैंड का फोन आता है, भावना यहाँ पे ना मतलब बच्चे ना मतलब एक घंटे बाद ही खत्म हो रहे, एक घंटे बाद। तो मैं इतनी घबरा गई, मैंने बोला कि ऐसे कैसे, आप परेशान मत हो कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप परेशान मत हो, मैंने उनको बार बार कह रही हूँ, लेकिन अपने भी हाथ पैर फूल गए। मैं चोटी करी थी, आप यकीन मानिए कि मैं चोटी भी नहीं कर पाई हूँ, और मैं ऐसे ही ना बालों को लपेट के अपना चले गई। और उस वक्त ना हमारे पास उतने पैसे नहीं होते थे कि मैं कैब करके जाऊं या ऑटो कर लूं, तो मैं बस का इंतजार कर रही हूं। मैं 727 बस में, बस से जाती थी एम्स, तो बस नहीं आई, 764 बस आई जो नेहरू पैलेस जाती है। मैंने सोचा कि उसमें बैठती हूँ जहां से जैसे जैसे मिलती जाएगी, और मैं पर्स भी उठाना भूल गई हूँ, बाई चांस मेरा पर्स भी जो जिसमें पैसे नहीं है मैं उसको लेके चली गई। अंकल मैं मुझे याद नहीं है कि कौन सी जगह मैं गलत एक पुल पे गलत उतर गई, और उतरने के बाद मुझे लगा कि एम्स का रास्ता है, मतलब कि अब ग्रीन पार्क वाले रास्ते से मैं पहुंच जाऊंगी। मैं वहां पे उतरी तो मैंने लोगों से पूछा प्लीज मुझे बता दो मैं कहाँ उतर गई, क्योंकि मेरा दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि हर एक बच्चे का नाम था दिया, चाहत का निकनेम दिया था, तो मुझे लगा कि भाई मतलब वो दिया भी खत्म हो गई, ये भी खत्म हो गया, वो भी, तो मैं इतना घबरा गई और मैं गलत उतर गई। उतरने के बाद ना मैंने लोगों से पूछा कि मैं कहाँ उतरी हूँ, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। वहां मेट्रो का काम चल रहा था, मैंने उनसे प्लीज भैया मुझे बता दो मैं कहाँ उतरी हूँ, किसी ने मुझे एक जवाब नहीं दिया। अंकल इतने में ही एक बाइक पे एक अंकल आते हैं, उन्होंने हेलमेट लगाया हुआ, कहते हैं एम्स जाना है, तो मैंने बोला हाँ जी मुझे जाना है अंकल, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था कि सड़क पे खड़े हुए वो मुझे क्या सोच के उन्होंने मुझे लिफ्ट दे रहे हैं, क्या मतलब कहीं वो मुझे गलत तो नहीं सोच रहे। लेकिन उस वक्त मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और मैं उस बाइक पे बैठ गई, और वो जो अंकल थे उन्होंने मेरे बारे में पूछना शुरू किया, मेरी बेटी के बारे में पूछना शुरू किया, वो ठीक है, कैसी है, क्या है। तो मैं सोच जा रही हूँ ये पागल हो गए हैं, क्योंकि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं कि वो मुझे क्या पूछ रहे हैं, और मतलब बताने का भी मन नहीं, लेकिन आप ये तो आपको बताना पड़ेगा ना कि आप किसी के साथ उसकी हेल्प ले रहे हो। तो मैंने उसको बोला नहीं सब ठीक है। उसके बाद ना उन्होंने ग्रीन पार्क में कहीं अंदर से बाइक निकाली, और मैंने उनसे कहा अंकल आप मतलब भैया आप ये कहाँ से ले जा रहे हो, मुझे लगा कहीं वो गलत रास्ते से तो नहीं लेके जा रहे मुझे। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मतलब आप घबराओ नहीं, परेशान नहीं हो, और ये सही रास्ता है। तो मैंने कहा नहीं ये सही रास्ता नहीं है, और आप प्लीज मुझे बता दो आप। तो उन्होंने कहा आप परेशान मत हो, आपको मैं आपकी जगह पे उतार दूंगा, ठीक है। तो लास्ट में बात करते करते कि कितना पैसा लग गया, कितने पैसे की और जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर सकती हो, आप मुझे बता सकते हो। तो मैं सोच रही हूँ कहीं मतलब मैं सड़क पे खड़ी हुई थी, तो कहीं मेरे बारे में कुछ गलत तो नहीं सोच रहे, क्योंकि अंकल किसी गाड़ी वाले से लिफ्ट लेने में मुझे डर लग रहा था। तो मैंने सोचा अगर कोई ऐसी वैसी बात होती तो मैं कूद जाऊंगी, इसलिए मैं उनके साथ बैठ गई, और उन्होंने मुझे एम्स पे सुरक्षित उतारा। उसके बाद कहा कि आंटी आप परेशान ना हो, और अपना हेलमेट उतारा, कह रहा है मेरा चेहरा देख लो, और मैं आपका नंबर नहीं ले रहा, आप मुझे अपना मतलब आप मेरा नंबर ले लो, अगर कभी भी आपको कोई हेल्प की जरूरत पड़े तो आप मुझे कॉल कर लेना, और क्या मैं आपकी बेटी को देखने चलूं। तो मैंने सोचा नहीं, मैंने उनको बोला नहीं आप मत चलिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहीं गुस्सा ना हो जाए कि मैं किसके साथ आई हूँ और कैसे आई हूँ। तो मैंने उनको मना कर दिया। अंकल मैं वहां खड़े होके ये भी सोचने लगी कि मैंने ने एम्स नहीं बोला हुआ था कि मैं एम्स जाऊंगी, ये मनोज एम्स छोड़ने आए हैं तो ये क्यों आए हैं। तो मैं उस वक्त क्योंकि गुरुजी के बारे में गुरुजी के शब्द और गुरुजी के मतलब सत्संग सुनती तो थी, तो मैंने क्या किया कि उनसे एक बार पूछा कि उनका नंबर तो ले लिया। उसके बाद मैं वहां खड़ी रही कि वो देखूं कि वो कहां जाते हैं। अंकल मैं 5 मिनट तक तो मुझे दिखे, उसके बाद वो एकदम ऐसे गायब हो गए, क्योंकि उस वक्त मैं गुरुजी को पसंद ही नहीं करती थी। मैं हमेशा अपने हस्बैंड को आके कहती थी कि गुरुजी जो है वो मुझे एक विलेन जैसे लगते हैं, एक फिल्म है प्रमोद महाजन पता नहीं कुछ नाम है कि वैसे लगते हैं। मुझे गुरुजी से बिल्कुल प्यार नहीं था, सॉरी गुरुजी, लेकिन उस वक्त में और आज के वक्त में बहुत फर्क है, क्योंकि गुरुजी की महिमा होती है वो अच्छा कहलवाना है बुरा कहलवाना है। मैं उनको देखती रही, वो गायब हो गए, इतनी तेज बाइक थी कि मुझे नजर ही नहीं आई। तब मुझे समझ में आया कि वो सिर्फ गुरुजी ही हो सकते हैं जो मुझे इतनी सुरक्षित छोड़ के गए। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, वो थोड़ा सा पहले गुस्सा हुआ, लेकिन उस वक्त चाहत की इतनी बुरी कंडीशन थी कि हमारी बात आई गई हो गई। चाहत का जब आने का टाइम आया तो 9 लाख रुपए कम पड़ गए, क्योंकि
9 लाख तो डॉक्टर्स ने बताए थे नॉर्मल टाइम, मतलब कि नॉर्मल 1 मरो के लिए, लेकिन चाहत का इतना क्रिटिकल हो चुका था कि उसमें पैसे पे पैसे लगे जा रहे थे, हमें समझ नहीं आ रहा था कि कैसे। तो मेरे हस्बैंड ना कभी टीवी भी नहीं देखते थे और न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते थे। एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपना न्यूज़पेपर उठा लिया कि चलो मैं ले जाती हूँ और सुनील देख लेंगे। उसमें एक छोटे से कॉर्नर में एक सरदारों का कुछ सोसाइटी का आया हुआ था जिसमें वो डोनेट करते हैं, कुछ पैसा डोनेट करते हैं, और उस वक्त हमें उस वक्त पैसे की इतनी जरूरत थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, कहा कि देखो भावना ऐसे ऐसे ही आया हुआ है कि एक बार बात करके देखो कर कोई हेल्प हो जाए। तो मैंने उनको बात की उनको, लेकिन ये था कि अगर मैं सरदार फैमिली से हूँ तो वो पूरा पैसा पे करेंगे, नहीं तो फिर भी उन्होंने कुछ ना करते हुए भी ना 30 से 40 हजार रुपए फिर भी कर दिया था उन्होंने मेरे लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी कि मतलब छोटी छोटी सी हेल्पों में भी उन्होंने मुझे मतलब छोड़ा नहीं। हाँ जी अंकल, आप कुछ कह रहे थे? जय गुरुजी, जय गुरुजी। अंकल फिर उसके बाद क्या हुआ कि चाहत के जो इंजेक्शन थे वो इतने महंगे थे, 4.25 लाख रुपए का एक इंजेक्शन था। तो मेरे पैसे ना खत्म होने पे आ गए, लेकिन ट्रीटमेंट अभी खत्म होने पे नहीं था। मुझे फिर वहां पे ही एम्स में ही किसी एक चलते हुए पेशेंट ने ही मुझे बताया कि अब ये पीएम फंड से भी हमें पैसा मिलता है। अब मैंने सोचा अब कैसे करूंगी, मुझे इतना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी मतलब हूँ, लेकिन इतना दुनिया में बाहर नहीं निकली कि मैं इतना सब कुछ कर पाऊँ। तो गुरु जी ने फिर हिम्मत दी, फिर दोबारा शुरू करे, दोबारा पेपर सारे सबमिट किए, किसी विधायक से लिखवाना, ये करना। मैं नोएडा तक गई, पता नहीं किस किस से मैंने क्या क्या लिखवाया। उसके बाद मैंने पीएम फंड से मुझे गुरुजी ने 3 लाख रुपए और कराए अरेंज। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे करके मैं एम्स का बिल चुका के वहां से आई। और सैटरडे को जब मैं आई अपने यहाँ पे तो हमें ऐसा लग रहा था कि हमने जिंदगी में ना शायद कुछ देखा ही नहीं, ये रास्ता हमारे लिए पहली बार है। इतनी खुशी थी कि हमें ये यकीन नहीं था कि हम अपनी बेटी को घर वापस लेके आएंगे, लेकिन गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने हमें उसको वापस किया और हम लेके आए। मंडे को सत्संग की तैयारियां चल रही है और मैं उसको वॉक के लिए लेके जा रही हूँ, मैं और मेरे हस्बैंड। मेरे हस्बैंड उस वक्त बिल्कुल भी गुरुजी को नहीं मानते थे, तो मैंने कहा कि श्री मैं मत्था टेका हूँ गुरुजी का, कहते हैं ठीक है। तो मैं चाहत का हाथ पकड़ के लेके गई और चाहत के ना एक गले से, क्योंकि यहाँ जो सुन रहे हैं उनमें कई सारी संगत जानती है कि चाहत के गले से और छाती तक एक लाइन निकली हुई थी, उसमें 3 प्लग थे, 3 में 3 और जोड़ जोड़ के मतलब इतनी सारी वो मल्टी वो करके कर देते थे, तो वो लगा हुआ था जिसकी वजह से बच्चा झुक ही नहीं सकता। हमें चाहत को नीचे से पकड़ना पड़ता था, कभी भी हम गोदी वैसे नहीं ले पाते थे। लेकिन उस दिन बेटी ने मेरी, गुरुजी की बेटी है मैं क्या बोलूं, उसने वहां लेट के साक्षात प्रणाम किया और मैं इतनी हैरान थी। उस दिन से मेरे हस्बैंड का गुरुजी के साथ जुड़ाव हो गया, क्योंकि मतलब वो सिर्फ गुरुजी ही करा सकते थे और कोई करा ही नहीं सकता था कि जिस बच्चे को आप उठाना मुश्किल हो वो लेट के अगर साक्षात प्रणाम कर रहा है गुरुजी को। तो ये बहुत बड़ी रहमत थी गुरुजी की हमारे लिए। और उस दिन से हमारी ना हर जर्नी शुरू हो चुकी थी। मैं तब तक भी बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन एक दिन और ऐसी चाहत का ना, तब हर मंडे को इंजेक्शन लगा करते थे और अभी हमें एम्स लेके जाना पड़ता था, तो गुरुजी ने डॉक्टर सुनील को इंजेक्शन लगाना भी सिखाया। डॉक्टर वहां की सिस्टर है, उन्होंने बोला कि चाहत के पापा आप रोज परेशान होते हो उसे एडमिट कराते हो, सच है कि मैं आपको सिखा देती हूँ। उन्होंने सिखाया, चाहत के हर मतलब एक दिन छोड़कर एक दिन थाइस में सीधे खड़ा इंजेक्शन लगता था, और जितनी देर इंजेक्शन लगता था उस दिन मतलब मेरे हस्बैंड मुझे और मेरे बेटे को डांटते रहते थे, क्योंकि अपनी बेटी को जो दुख देना नहीं चाहते वो डेली वो सुइयां उसको चुबाते थे, लेकिन वो उनकी कितनी चुभती होंगी, उसमें इतनी परेशानी होती थी। और चाहत कभी नहीं रोती थी, हमेशा कहती थी जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मतलब उसने इतने इंजेक्शन लगवाए हैं कि यहाँ का कोई भी डॉक्टर अगर उसको देखता है तो कहता है कि ये नहीं रोएगी, ये तो बहुत होशियार है, ये तो गुरुजी की बेटी है। चाहे वो दरबार में चले जाए तो, चाहे वो बंगला साहिब चले जाए, उसको मतलब सब लोग पहचानते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, इतना मतलब आपने हमारी औकात से हमें ज्यादा दिया।
ये तो हुआ चाहत की बीमारी का। उसके बाद एक बार गुरुजी ने मतलब क्या बताऊं अंकल, कि एक छोटी सी अरदास भी आप गुरुजी से कर लेते हो ना तो वो गुरुजी कैसे पूरी करते हैं। मैं चाहत को दिखाने गई थी हॉस्पिटल और मेरे पैरों में भी दर्द था, चाहत के भी पैरों में दर्द। गुरुजी से बस ऐसे ही बोल दिया, गुरुजी काश ये बस ना हमें घर तक छोड़ देती तो कितना अच्छा होता। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि गवर्नमेंट बस है कोई, वो हमारी पर्सनल बस नहीं है जो हमें वहां छोड़ेगी। और अंकल जब जेएम इंटरनेशनल का स्टॉप आया तो मैं खड़ी हो गई और मैंने कहा कि चलो मैं अंकल से ड्राइवर से पूछती हूँ कि काश बस वो मुझे लाइट पे ही छोड़ दे, मतलब स्टैंड ना छोड़ के मुझे लाइट पे छोड़ दे। तो मैंने उनसे कहने गई लेकिन दो आंटियां लड़ने लगी तो मैं तो डर गई कि भाई उनका मूड पहले ही खराब हो गया। अब तो कुछ नहीं बोला मैं, चुप होके सोचा कि जहां उतारेंगे वहां मैं उतर जाऊंगी। लेकिन गुरुजी की देखो मतलब हमने छोटी सी मांग भी की तो गुरुजी ने वो उन्होंने क्या किया, हमारी सोसाइटी के बिल्कुल सामने से निकाला। और मैंने अंकल को बोला कि अंकल प्लीज मुझे लाइट पे उतार दो। कहते कि कहाँ जाना है, मैं कहा ये सामने वाली सोसाइटी। कहते अरे नहीं सोसाइटी पे उतारेंगे। तो गुरुजी ने सोसाइटी पे उतरवाया। शुक्राना मेरे मालिक, इतने ध्यान रखने का कि आप अपने बच्चों का इतना ध्यान रखते हो। लेकिन ये भी नहीं है कि आपकी हर बात वो मानते हैं, जैसे बच्चे का जो अच्छा होता है गुरुजी वही देते हैं। मैंने भी कई बार ना बदमाशियां की हैं। एक दिन हम एम्स जा रहे थे, मैं मेरा बेटा और बेटी और हस्बैंड, तो हम ऑटो में जा रहे थे तो हमें ना गुरुजी की लाइन से गाड़ियां मिलती गई। तो मैंने सोचा कि मतलब मेरे बेटे और मेरे मन में एक लालच आया और हमने गुरुजी से बोला, गुरुजी अब जो गाड़ी दिखेगी गुरुजी आप हमें वो दिला दो। इतनी सारी गाड़ियां दिख रही है जिसपे जय गुरुजी लिखा हो वो गाड़ी आप हमें दिला देना। तो मेरा बेटा एक साइड और मैं एक साइड, हमने अंकल हमारी आंखें पथरा गई लेकिन गुरुजी की हमें कोई गाड़ी ही नजर नहीं आई। तो मतलब गुरुजी ये भी बताते हैं कि ज्यादा भी मतलब जो आज का वचन था ना कि गुरुजी जो देते हैं ना वो बहुत अच्छा होता है, हम जो मांगते हैं वो जरूरी नहीं होता कि हमारे लिए वो सही हो। तो सॉरी गुरुजी कि आपने सिर्फ मानना सिखाया, हम मांगते ही रहते हैं लेकिन उसके बाद से वो सीख आ गई कि भैया हमें मांगना नहीं है, जो गुरुजी देंगे वो गुरुजी की मेहर है। उसके बाद अंकल हालात तो ऐसे खराब होते ही चले गए क्योंकि गवर्नमेंट में काफी पैसा लग गया, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से भी 12-15 लाख रुपए मिल चुका था। उसके बाद भी महीने में 40,000 के इसके टेस्ट होते थे, हर महीने मतलब हर मंडे को 10,000 का टेस्ट होता था। तो जहां भी थे हम वहां से नीचे आ चुके थे और मेरे बेटे की फीस जमा करने का टाइम आ गया, बेटे और बेटी की। तो उस वक्त ना लॉकडाउन लगा हुआ था अंकल, फर्स्ट लॉकडाउन जब लगा था उस टाइम की बात है। तो हम ना मतलब कुछ ग्रुप्स ने तंबोला खेलना शुरू किया था, तो मैं भी उन लोगों के साथ ग्रुप में जुड़ गई थी क्योंकि कई बार आप इतने परेशान होते हो ना तो आपको मन को जो डाइवर्ट करने के लिए भी कुछ चाहिए। उस वक्त आपको ना शब्द भी सुनने का मन नहीं कर रहा होता क्योंकि आप बहुत परेशान होते हो। तो मैंने भी अपना दूसरा रास्ता निकाला कि मैंने तंबोला खेलना शुरू किया और 3 से 4-5 दिन लगातार खेलते रहे। तो मेरी सिस्टर है आगरा में रहती है, उनका फोन आया कि तुम अमृत वेला स्टार्ट करो। मेरी फ्रेंड है सोनिया दुआजी, उनका भी बार बार, वो मेरी बड़ी बहन की तरह है, उसने भी मुझे बोला कि मतलब भावना अमृत वेला में बहुत ताकत है, तू अमृत वेला स्टार्ट कर। लेकिन मैंने सोचा कि कैसे होगा, रात को 11 बजे तक तो तंबोला खेलते हैं, फिर कैसे होगा सुबह सुबह। मैंने नहीं माना उसकी बात। फिर मेरी दोनों मतलब कि सोनिया आंटी और पूनम दीदी मेरी जो मेरे पीछे पड़ गई कि नहीं, फिर उन्होंने मुझे एक शब्द भेजा, एक उन्होंने भेजा कि ये व्याख्या सुननी है। और जब मैंने वो व्याख्या सुनी तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगा और मैंने गुरुजी को अरदास की कि गुरुजी आप जानो कि आपको कैसे करवाना है मेरे से अमृत वेला, मुझे नहीं पता और मुझे नहीं आता करना। तो मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया। अंकल अमृत वेला की इतनी बड़ी आई है, इतनी मतलब इतनी पावर था उस अमृत वेला में। मैंने पहले दिन अमृत वेला किया और मैंने वो जो ग्रुप था तंबोला वाला वो छोड़ दिया धीरे धीरे क्योंकि आपका मन उससे हटने लगा।
तो मैंने जब अमृत वेला स्टार्ट किया, थैंक यू सोनिया आंटी कि मतलब आपने मुझे इतने अच्छे रास्ते पे डाला। और जब मैंने अमृत वेला स्टार्ट किया अंकल, दूसरे ही दिन का करिश्मा देखिए कि मेरी बेटे की फीस नहीं जमा हो पा रही थी और मेरा बेटा बहुत परेशान था क्योंकि फीस ना जमा होने की वजह से उसका रिजल्ट नहीं दिखाया गया। और नाइन्थ में बच्चा हो और रिजल्ट ना दिखाया जाए तो परेशान तो हो जाता है। तो एक दिन और मेरे बेटे को ऑनलाइन क्लासेस भी बंद कर दी गई थी। अब मैं बहुत परेशान थी, मैं क्या करूँ क्या करूँ। पहले दिन अमृत वेला किया तो मेरी किसी एक आंटी से बात हुई, और दूसरे दिन जब मैंने किया तो मेरी ना एक स्कूल के किसी चाहत के स्कूल के किसी बच्चे की मम्मी से बात हुई और उन्होंने मुझे बताया, वो चर्च के फादर हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको मतलब कि वर्डन है, मुझे नहीं पता उनके वर्ड में क्या था, उन्होंने बोला कि उनको ना बहुत हेडक हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उनको बोला है कि कोई जिम्मेदारी है जो उन्हें पूरी करनी है। तो और जब मैंने उन्हें अपनी बात बताई तो कहते हैं शायद परमेश्वर यही चाहता होगा कि मैं इस वाली मतलब जो मेरा बर्डन था वो यही था। ठीक है, लेकिन अभी अंकल किसी से 10,000 लेना है 5,000 लेना है तो आप किसी को भी बोल सकते हो, लेकिन आज की दुनिया में इस वक्त कोई किसी को नहीं देता और मतलब बड़ा मुश्किल होता है ना कि किसी पे ट्रस्ट करना। लेकिन उन्होंने जब मुझे बोला कि प्लीज आप मुझे ना अपना वो बता दो, अकाउंट नंबर दे दो, और एक अंकल हैं जो आपकी फीस जमा करना चाहते हैं, तो मैंने बोला नहीं मुझे नहीं करानी क्योंकि मेरे हस्बैंड पसंद नहीं करेंगे इस बात को। तो उन्होंने बोला नहीं मुझे आप प्लीज अपना अकाउंट नंबर दे दो। अब मैं अकाउंट नंबर अंकल कैसे दे दूं क्योंकि उनको फीस कैसे बताऊं कि मेरी पूरे साल की फीस जमानी हुई है। एक होता है कि आपने 10,000 जमा करवाना है, 20,000 जमा करवाना है। उन्होंने बोला आप अपने दोनों बच्चों का स्कूल का अकाउंट नंबर और वो मुझे बता दो। तो मैं बता ही नहीं पा रही, मैंने एक दिन निकाल दिया कि मैं नहीं बता पाऊंगी कि कितना है, और मुझे एग्जैक्टली खुद भी नहीं पता था कि वो अमाउंट था कितना। लेकिन उन्होंने मुझे इतना इंसिस्ट किया कि मतलब एक बार फोन, दो बार फोन, चार बार फोन। तो मैंने सोचा गुरुजी अगर आपको दिलवाना है तो आप मुझे कोई इशारा दो। तो गुरुजी से मैंने कुछ ऐसी एक शब्द सुना या क्या किया, तो उसने गुरुजी ने मुझे इशारा दिया कि मैं अकाउंट नंबर दे दूं। मैंने उनको अकाउंट नंबर दिया और उनको बताया भी। फिर मैंने उनको ये भी बोला कि प्लीज आप मेरे एक बच्चे की फीस जमा कर दो, मैं कोई बात नहीं मैं दूसरे बच्चे की अरेंज कर लूंगी। लेकिन उन्होंने बोला नहीं आप मुझे दोनों बच्चों का आप वो दे दो। और हुआ क्या कि मैंने स्कूल में जब स्टेटस मांगा ना कि मुझे फीस का वो चाहिए, तो उन्होंने मेरे दोनों बच्चों का जॉइंट ही दे दिया। अब मैं सोच रही इसमें से अलग कैसे सेपरेट कैसे करूं कि मैं उनको सेपरेट देना चाहती थी, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे मैं किसी और को इतनी मुश्किल में डालूं। तो मैंने उनको फिर, लेकिन अब गुरुजी ने दोनों एक जॉइंट करा दिया तो मुझे देना पड़ा। और उन्होंने मुझे बोला कि आंटी आप माउंट कार्मल पे आ जाओ और मैं आपको पैसे दे देता हूँ। मैंने बोला कि कैसे करूं, मतलब इतनी शर्म आ रही थी कि किसी से पैसा लेना भी आसान नहीं होता, कि लेने वाला भी उतनी बार मर जाता है। मैं बहुत शर्माते हुए फिर गए, लेकिन मैं माउंट कार्मल पे नहीं जा पाई किसी वजह से, मेरी स्कूटी खराब हो गई। उन्होंने बोला कोई बात नहीं आप कहाँ मिल सकते हो। मैंने बोला मैं कैनरा बैंक से मिलती हूँ। अंकल गुरु जी की इतनी रहमत थी कि ना मैं उन्हें जानती थी ना वो मुझे जानते थे, बस हमने मतलब फोन पे ही बात करते करते वो आए और मुझे उन्होंने, उनके हाथ में कोई पॉलिथिन वगैरह नहीं थी, उन्होंने कहा मैंने गिने नहीं है ये पैसे हैं आंटी ये लो आप पैसे। और मेरे हाथ इतने कांप रहे थे, मैं इतने पसीने पसीने हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं उन पैसों को क्या करूं, क्योंकि आपकी फैमिली मेंबर भी आपको पैसे देते मैं चार सवाल पूछते हैं, उन्होंने मुझे कोई सवाल नहीं पूछा मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती, मेरे पति क्या करते हैं, कुछ नहीं पूछा उन्होंने मुझे। मेरे बच्चों की दोनों की फीस दी और वो चले गए, मैं उनका चेहरा भी नहीं देख पाई क्योंकि उन्होंने मास्क पहना हुआ था। और मैं कैनरा बैंक में एक गुरु जी संगत आंटी है उनको दिया, आंटी ने बोला कितने, मैं कहा आंटी मुझे नहीं पता, आंटी ने गिने पूरा टोटल उसमें 2,000 या 4,000 रुपए एक्स्ट्रा थे और आंटी ने वो सारे पैसे जमा किए। तो गुरुजी ने मेरे बच्चों की फीस जमा करवाई। शुक्राना मेरे मालिक, किन किन बातों का शुक्राना करूं, ये मतलब हर उस रहमत का शुक्राना जो आपने दी है। उसके बाद मतलब सत्संग अंकल इतना है कि मैं शायद बोलती रहूं दिन रात बिना, तो ये शुक्राना खत्म ही नहीं होगा मेरे लिए। ये लाइफ मेरी गुरुजी की दी हुई है,
उन्होंने मुझे इतनी चीजों से बख्शा है। एक दिन पुरानी ही बताती हूँ कि मैं गई, मुझे दवाइयाँ लेनी थी और दवाइयाँ एम्स के पास ही मिलती थी, तो एक मेडिकल स्टोर है जहाँ से चाहत की दवाइयाँ आती थी। मैं वहाँ पे गई चाहत के बोन मैरो के 6 महीने बाद। 6 महीने बाद मैं गई तो मैंने उनको बोला श्रीराम मेडिकल स्टोर है, मैं वहां पे गई तो उन्होंने बोला कि चाहत की मम्मी आप तो बहुत लकी हो। तो मैंने सोचा इसलिए कह रही कि वहां पे कितने बच्चे मरे थे और मेरा बच्चा ठीक होके गुरुजी ने भेजा है, इसलिए मेरे को वो बार बार कह रहे हैं कि मैं बहुत लकी हूँ। मैंने कहा हाँ अंकल, मतलब हाँ भैया मैं बहुत लकी हूँ। कहते हैं नहीं नहीं आपकी तो चाहत ना मतलब डॉक्टर्स के हाथ पैर फूल गए थे और चाहत ना बिल्कुल चली गई थी, और ये तो मतलब दोबारा गुरुजी ने लाइफ दी है, और आप यकीन मानो कि हम भी घबरा गए थे क्योंकि डॉक्टर्स सिर्फ मेडिकल स्टोर वालों से बात करते होंगे, मुझे नहीं पता, सिर्फ ये बात मेडिकल स्टोर वाले को पता थी, मेरे हस्बैंड को पता थी और डॉक्टर्स को पता थी। ना डॉक्टर्स ने बताई मुझे, ना कभी मेरे हस्बैंड ने मुझे इस बात का जिक्र किया, और ये मेडिकल स्टोर से मुझे पता चला कि गुरुजी ने चाहत को दूसरी लाइफ दी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक जिस बात के लिए, मतलब हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हम मानते भी नहीं थे, और गुरुजी ने हमें इतना देते चले गए कि मैं ना चाहते हुए भी ना गुरुजी के चमत्कारों को देख के। फिर एक दिन आया कि जब मुझे लगा कि नहीं गुरुजी सच में मतलब आप क्यों चले गए, और उस दिन तो मैं बहुत रोई कि गुरुजी आप क्यों चले गए। उस दिन एहसास हुआ कि गुरुजी हमारे अंगसंग रहते हैं, लेकिन जिस दिन मुझे एहसास हुआ ये बात का कि गुरुजी कितना हमें कुछ देते हैं, उस दिन से गुरुजी ने हमें निचोड़ना शुरू कर दिया। गुरुजी ने इतने टेस्ट किए हमारे कि बिल्कुल ना नींबू के जैसे निचोड़ दिया। गुरुजी कहते थे ना कि पहले गुरुजी के हम टेस्ट लेते, गुरुजी ये कर दिखाओ तो हम मानेंगे, जी वो कर खाओ तो हम मानेंगे, लेकिन बाद में गुरुजी हमारा टेस्ट लेते हैं और हम उसमें कितने पास होते हैं कितने फेल होते हैं तो सिर्फ गुरुजी के ही ऊपर होता है, क्योंकि पास भी करना गुरुजी की मर्जी है, फेल करना भी, लेकिन गुरुजी अपने चरणों से लगाए रखना, गुरुजी मतलब एक सिर्फ नीवापन दे दो जिससे कभी हमारे अंदर अहंकार ना आए। इतनी अच्छी संगत के साथ हमें जोड़ने का शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना अंकल। उसके बाद अब बात आती है मेरे घर की, कि मेरे घर को ना मेरे हस्बैंड कहते हैं ये कि हमारा घर नहीं है, ये हमारा गुरुद्वारा है। अंकल जब पैसा ना हो और आपको लंगर बनाना पड़े तो हस्बैंड तो कह देते हैं कि वो गुरुद्वारा है लंगर है, लेकिन मैं फिर भी ना फेल हो जाती हूँ गुरुजी के नियम में, गुरुजी के इसमें मैं फेल हो गई टेस्ट में। जब भी गुरुजी कहते थे कि मतलब सुनील कहते थे कि भाई लंगर बनाती है तुरे मतलब तू लंगर बनाती है तो मैं सोचती थी सिर्फ ना मुझे काम कराने के लिए ऐसा बोलते हैं, लेकिन ये एहसास मुझे गुरुजी ने कराया कि सच में मेरा घर गुरुद्वारा ही है। और कई लोग मुझे पसंद नहीं होते तो मैं कहती हूँ नहीं गुरुजी नहीं बुलाना, या जैसे सीमा आंटी का बताया, जब सीमा आंटी को मेरे हस्बैंड घर लेके आए मैं बहुत खुश नहीं थी, मैं कह रही थी कि मतलब नहीं मतलब कि क्यों मैं ही क्यों, और सबसे ज्यादा कि मैं उनसे प्यार करती हूँ और मैं उनकी अच्छी केयर नहीं कर पाऊंगी कुछ तो। अंकल जब पैसा नहीं होता तो होता है ना कि आप खुद ही इतनी परेशानी में और आपके घर कोई और आ जाए तो आप कैसे करोगे, तो मुझे ना थोड़ा सा परेशानी लगती थी। जब सीमा आंटी आई तो मुझे लगा कि मतलब मेरे लिए एक परेशानी हो रही है, क्या करूँ कैसे करूँ, लेकिन गुरुजी ने धीरे धीरे उनसे इतना प्यार करा दिया, इतना जोड़ मतलब इतना लगाव करा दिया कि सॉरी गुरुजी मैं झूठ नहीं बोलूंगी, तब नहीं अच्छा लगता था, लेकिन जब मैं खाना बनाती थी तो मुझे नहीं समझ में आता था कि वो लंगर कैसे है, कि लंगर की महिमा क्या है। गुरुजी कहते थे ना मेरी ब्लेसिंग जल प्रसाद में है, लंगर प्रसाद में है, तो वो गुरुजी ने ना मेरे घर में मेरे हाथों से बनवाया। मेरे भैया बीमार हुए तो गुरुजी ने यहाँ पे बुलाया, कहते हैं कि जिसके पास बहुत पैसा होता है लोग वहां जाते हैं, लेकिन गुरुजी ने देखो मेरे पास पैसा नहीं था लेकिन गुरुजी ने सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरी भाभी को टीवी हो गया था, गुरुजी मतलब इतने हालात खराब हो चुके थे, लग रहा था कि भाभी बच नहीं पाएंगी, गुरुजी ने उनको भी ब्लेस किया, गुरुजी ने सेवा कराई, बेटी से भी कराई, सबसे कराई गुरुजी शुक्राना। भाभी भी ठीक होके गई, भतीजा मेरा एक ही भतीजा है
उसकी भी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, उसको लग रहा था कि कहीं ब्लड कैंसर तो नहीं है, मतलब मेरा इतना डर लगता था ना गुरु जी कैसे ये सारी बीमारियां मेरे घर में आ रही हैं, क्यों हो रहा है गुरु जी। और मतलब इतना गुरु जी टेस्ट ही ले रहे थे कि इतना तकलीफ होती थी ना कि अपने घर वालों के बारे में ये सब सुनना। लेकिन गुरु जी ने वहां से भी निकाला, गुरु जी ने वो जो इतनी बड़ी बीमारी थी उसे भी छोटी सी बीमारी में करके, और गुरु जी चाहे कोई माने या ना माने, सच में मेरे घर में गुरु जी का वास है। और जो खाना बनता है उसके कण कण में गुरु जी की ब्लेसिंग है, उन खाने से ही गुरु जी ने सबको ब्लेस किया, सबको ठीक किया, चाहे वो सीमा आंटी हैं, चाहे वो मतलब सोनिया आंटी को भी कहते हैं, सोनिया आंटी मेरी वजह से जुड़ी नहीं, गुरु जी सबको माध्यम बनाते हैं। जब सोनिया आंटी ने कहा कि मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, सिर्फ एक ही शब्द था, गुरुजी मेरे नहीं है, गुरुजी सबके हैं, हम सब प्यार करते हैं। तो देखो, और देखो उनको कितने दिनों से गुरुजी नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे उन्होंने अपना माना गुरुजी को, गुरुजी उनके सामने नजर आ गए। तो हर उस बात के लिए शुक्राना जो मालिक आप हमको उससे जोड़ पाते हो, हमें उसका माध्यम बनाते हो। यहाँ पे मतलब इतने सारे सत्संग है कि क्या बताऊं मैं, कई बार अपने प्लेटफॉर्म से ना दूर हो जाते हैं कि आप चलते चलते कि गुरुजी ने क्या क्या हमें सौगात में दिया है। मतलब एक सोसाइटी वाले हैं जो मेरे इतनी मेरी बेटी के लिए इतनी प्रेयर की, जैसे कायनात नहीं होती कि कायनात एक साथ आपके साथ जुड़ जाती है सिर्फ आपको संभालने के लिए, वैसे ही गुरुजी ने मुझे गुरुजी की संगत दी है, मुझे सूर्या फैमिली दी है जिसमें कि मैं अगर घर में भी नहीं होती तो मेरी बच्चों का ध्यान रखा जाता है, एम्स जाती हूँ तो मेरे बच्चों को वहां पे भी ध्यान रखा जाता है। तो गुरु जी हर जगह हर कण कण में है। थैंक यू गुरु जी कि आप इतनी प्यारी संगत के साथ हमें जोड़ते हो। मैं जब ना गुरु जी के पास जाती थी तो कुछ शब्द ऐसे होते थे जिनके साथ मैं इतना कनेक्ट हो जाती थी, मैं उसको कुछ लाइनों में ना उसको गा के सुनाना चाहती हूँ। जब मैं गुरु जी के पास जाती थी तो सिर्फ एक ही शब्द ना मेरी मतलब आत्मा से वही निकलता था कि मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, करते हो तुम गुरु जी मेरा नाम हो रहा है, मेरा हो रहा है आपकी कृपा से हर काम हो रहा है, तुम कृष्ण बन के आए जब मैं नी सुदामा, तुम कृष्ण बन के जब मैं बनी सुदामा। बस मेरे पास शब्द नहीं है, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये जो सारे काम हो रहे हैं वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहे हैं, और सिर्फ आप हो जो इतना हमें प्यार करते हो, हमें इतनी प्यारी संगत के साथ जोड़ा है। अंकल मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे घर में कभी भी इतनी परेशानियों के बाद भी ना कभी भी गुरुजी ने मुझे किसी भी चीज से वंचित नहीं रखा। मेरे बच्चे द्वारका के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, मैं बहुत अच्छी सोसाइटी में रहती हूँ, गुरुजी ने हमेशा मुझे अच्छे से सेवा कराई, तो मतलब कभी लगा ही नहीं कि मैं किसी भी संगत से कम हूँ या मतलब मेरे पास पैसा नहीं है। कभी कभी ना कुछ संगत ना मेरे से पूछती थी कि गुरुजी आते हैं और क्या आपको पैसे का पैकेट लेके चले जाते हैं, तो शायद हाँ गुरुजी पैसों का पैकेट कैसे देते हैं मुझे भी नहीं पता, लेकिन मेरे कोई भी काम चाहे वो लाख का हो चाहे वो खाक का हो, लेकिन कभी भी गुरुजी ने मेरा कोई काम रुकवाया नहीं है। गुरुजी मतलब इतने प्यारे गुरुजी, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि लाइफ में मुझे इतने खूबसूरत
दरबार से मेरे दर्शन होंगे। और एक बार की बात है कि अगर मैं बड़े मंदिर गई थी, सुमन आंटी है वो बोली कि भावना आंटी बड़े मंदिर चलोगी, मैंने बोला हाँ जी आंटी। उनके पास पास किसी और के नाम के थे, लेकिन कई बार क्या होता है कि उस पास की वजह से वो एंट्री हो जाती थी। लेकिन गुरुजी ने उस दिन गुरुजी ने मेरा टेस्ट लेना था, और बहुत बड़ा टेस्ट था कि मतलब देखो कि मैं पास होती हूँ नहीं होती। आंटी मुझे लेके गई, एक संगत को लेके गई, अपनी बेटी को लेके गई, हम गए वहां सत्संग, मतलब बड़े खुश। मैं ये सोच के गई थी कि दर्शन तो होने ही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जब हम लाइन में लगे, अंकल आंटी की बेटी भी निकल गई, आंटी भी निकल गई, और वो जो दूसरी आंटी थी वो भी निकल गई किसी और के नाम पे ही। जब मेरा नंबर आया तो उन्होंने मुझे रोक लिया, कहते हैं आंटी ये तो आपका नाम नहीं है। मैंने बोला हाँ जी अंकल। कहते हैं क्योंकि अंकल बड़े मंदिर में जाके झूठ बोलना पड़े, इतना खराब तो नहीं कर सकते, तो इसलिए मैंने बोला कि हाँ ये मेरा नाम नहीं है, लेकिन प्लीज मुझे मतलब एक बार जाने दीजिए। उन्होंने बोला नहीं आंटी नहीं हो सकता। अंकल मैंने बहुत कोशिश की कि मैं जाऊं, मैं एक बार दर्शन करके आ जाऊं, लेकिन मुझे वहां पे परमिशन मिली ही नहीं। और मैं ये गुरुजी से कह रही हूँ कि आप कहते हो ना मैं बाहर हूँ, तो मैं कोई बात नहीं, मैं बाहर खड़ी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी कहते ना आपका बाप अंदर बैठा है और आप मतलब बाहर खड़े हो, तो वो रोना तो आ ही रहा था, लेकिन मैं फिर भी ना अपने आप को बार बार ये मना रही थी नहीं मुझे कोई परेशानी नहीं है, नहीं कोई परेशानी नहीं। और आंटी आई, आंटी भी बहुत परेशान कि मैं वो अंदर नहीं जा पा रही थी, मैं तो वो बार बार अंकल से कभी इससे रिक्वेस्ट, मैं बोली आंटी नहीं आप प्लीज रिक्वेस्ट मत करो, जो गुरुजी ने बोला है ना वही होने दो, मैं बाहर खड़ी हूँ। एक अंकल अपनी मम्मी को लेके जा रहे थे और उन्होंने मुझे बहुत देर से देख ही रहे थे, आंटी ये प्रसाद की थाली आप रख लो, शायद ये गुरुजी ने आपके लिए दिए। अंकल मैं उसी बात में इतनी खुशी, तो हो सकता है गुरुजी के टेस्ट में पास हो गई हूँ, हुई या नहीं हुई, बच्चे फेल पास होते रहते हैं, पता नहीं मेरी कोई क्लास है या नहीं है, मैं संगत भी हूँ या नहीं हूँ मुझे ये भी नहीं पता। अंकल हम तो गुरुजी की संगत कहते हैं अपने आप को, लेकिन ये भी कहना मेरे लिए मुश्किल है कि मैं संगत हूँ या नहीं हूँ। लेकिन मैं ये जानती हूँ कि वो मेरे पिताजी हैं, कि जैसे मेरे पापा मेरे लिए हर बात के लिए फिक्र करते हैं वैसे ही वो भी मेरी फिक्र करते हैं। तो और गुरुजी की एक बात मैंने गुरुजी को बोली थी, गुरुजी मेरी पकड़ ना बहुत कमजोर है क्योंकि मेरे हाथों से ना कोई भी चीज निकल जाती है, तो गुरुजी मतलब मैं आपको देखूं या ना देखूं लेकिन आप मुझे जरूर देख लेना, क्योंकि सत्संग में मेरी बेटी बहुत छोटी थी, 2 साल की थी, तो मैं हमेशा ना वॉशरूम के बाहर आके बैठती थी, क्योंकि बॉनमेरो के बाद ना मतलब उसको हमेशा वॉशरूम जाना होता था, क्योंकि मैं जितना जल प्रसाद वो पी सकती थी उतना पिलाया करती थी, तो अब जितना जल प्रसाद पिलाऊंगी तो उसे वॉशरूम आता था। हर दो मिनट पे अंकल वो वॉशरूम जाया करती थी, तो मैं वॉशरूम के दरवाजे पे बैठती थी लगातार। मैं 5 साल गुरुजी के दरबार में जाके सिर्फ दरबार को निहारती थी, बहुत खुश होती थी, और वॉशरूम के दरवाजे पे बैठ जाया करती थी और गुरुजी से पूछती थी गुरुजी कब मौका दोगे कि मैं आपके दरबार में भी आगे बैठूं। लेकिन इस बात से सेटिस्फाइड थी कि मैं किसी संगत को परेशान नहीं कर रही, कि ऐसा तो नहीं है ना कि मैं किसी संगत को हिला रही हूँ वो मेडिटेशन में बैठा, तो ठीक है जहाँ गुरुजी ने मुझे बिठा दिया। तो मैंने एक बार गुरुजी से कहा गुरुजी मैं आपको देख पाऊँ ना देख पाऊँ लेकिन आप मुझे जरूर देखा करो। तो गुरुजी ने क्या करा है ये बात मुझे प्रूफ भी करके बता दी। मैं एक सत्संग में गई और मुझे चपाती की सेवा करने के लिए बोला गया, मैं चपाती की सेवा कर रही हूँ, और होली से पहले का सत्संग था उनके घर में, तो सेलिब्रेशन था, गुरुजी की पुरानी संगत भी आई थी, तो उन्होंने बोला गुरुजी आ गए, और गुरुजी आते हैं तो बहुत हीट होती है, बहुत गर्मी होती है, मतलब रुका नहीं जा रहा था, बाहर चले गए। तब भी मैं उनको देख रही हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मेरे कान बंद कर दिए गुरुजी ने, मेरी आंखें बंद कर दी, मेरी बेटी मेरा बेटा मेरी मतलब इन लॉज वगैरह जो भी मतलब मेरी जिठानी की बेटी वहीं पे गुरुजी के साथ देख रही, गुरुजी की आंखें हिल रही है, गुरुजी के हाथ हिल रहे हैं, उन्होंने सबने देखा अंकल, सिर्फ मतलब मैंने ही नहीं देखा। और वहां पे एक शब्द चल रहा था, मुझे रंग दे मुझे रंग दे अपने ही रंग में रंग दे, और अंकल मैं उस पे डांस कर रही हूँ, सब लोग डांस कर रहे हैं, सब खुश हो रहे हैं क्योंकि वो गुरुजी को देख रहे हैं, क्योंकि उनकी सबकी नजरें गुरुजी पे,
और मैं सिर्फ अपने आप में ही, मैं ये सोच के कि बस सब लोग ऐसे ही कर रहे हैं, एक अंकल आके कहते हैं कि आंटी जो आपके साथ आंटी आई हूँ क्यों रो रही है, तो मैंने कहा वो जाने और गुरुजी जाने तो मुझे नहीं पता। कहते हैं कि अच्छा, मैंने कहा हाँ जी मुझे नहीं पता इस बारे में, तो और वो भी फिर ठीक है, वो अपना चले गए, वो नाचने लगे, वो भी नाच रहे हैं गुरुजी के आगे, स्कैन करा रहे हैं, मैं भी स्कैन करा रही हूँ। लेकिन मैंने कोशिश भी की कि मैं गुरुजी के स्वरूप को देख लूं, लेकिन गुरुजी ने मेरी आंखें उठने ही नहीं दी। कोई बात नहीं, हम वहां से आ गए और बहुत खुश थी कि मतलब आज बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा माहौल था। घर आके अगले दिन ना मेरी जिठानी की बेटी आके मेरे को बोलती है, चाची कल गुरुजी आए थे। तो मैंने कहा हमेशा आते हैं। कहती नहीं कल सच में आए थे। तो मैंने कहा मेगा सच में ही गुरुजी आते हैं। कहती नहीं चाची सच में गुरुजी आए थे। तो मैंने कहा मतलब सच में और कैसे सच में, मतलब कि जैसे विश्वास करते हो तो सच में आते। कहती नहीं, आंखें हिल रही थी, हाथ हिल रहे थे, और मेरा बेटा भी मुझे बोलता है कि हाँ मम्मा आपने नहीं देखा। मैंने बोला नहीं। तब मैं कहती हूँ गुरुजी मतलब ये तो आपने जो मैंने बोला वही करके दिखा दिया। तो हमारे मतलब गुरुजी इतने प्यारे हैं कि जो आप कहते हो ना वो आपको साक्षात प्रमाण के साथ करा के दिखा देते हैं। तो गुरुजी मतलब इतने ही मतलब मेरे साथ ही नहीं बल्कि मेरे साथ गुरुजी कहते थे ना कि घर का एक मेंबर भी अगर आपके साथ आता है तो आपका पूरा घर कैसे होता है, क्या वो ससुराल वाले होते हैं, क्या वो मायके वाले होते हैं, क्योंकि एक औरत कभी भी अकेले खुश नहीं होती। मुझे लगता है कि नहीं मेरे भाई भी खुश हो, मेरी भाभी भी, मेरी भतीजी भी, उधर मेरा ससुराल में मेरी जेठानी सब, तो हम मानते ही चले जाते ना कि, तो मेरी हमेशा इच्छा तो यही होती है क्योंकि मुझे ससुराल में शायद गुरुजी उतना प्यार जितना मैं उनसे करती हूँ वो लोग मुझे शायद नहीं करते होंगे। तो मैं उनको बहुत प्यार करती हूँ, अपने इन लॉज को। तो मैं गुरुजी से कहती थी गुरुजी वो प्यार मुझे कब दिलाओगे, तो गुरुजी की वचन था उसमें था कि तू एक बार कुछ अच्छा करके तो देख, मतलब मैं तुझे अनमोल ना बना देता देखना, इस तरीके से गुरुजी के कुछ वचन थे जो मैं सुनती थी। तो मैं कहती थी गुरुजी प्लीज मुझे भी मतलब ये करा के दिखा दो ना कि मैं भी अपनी फैमिली को मतलब अच्छा बनना चाहती हूँ, तो एक बार मुझे भी ये चाहिए कि मैं अपनी फैमिली के नजरों में हमेशा अच्छी बनूं, क्योंकि मैं तो उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे कब वैसा प्यार करेंगे। जैसे गुरु जी की महिमा में लिखा हुआ था, मेरे मार्ग पे ते एक पैर रख के ता देख, तेरे सारे मार्ग ना खोल देवा ता कहना। मतलब गुरु जी मैंने सिर्फ एक पैर रखा था और उन्होंने मेरे लिए ना इतने रास्ते खोल दिए, शुक्राना मेरे मालिक शुक्राना। मेरे लिए खर्च करके ता देख, कुबेर दे भंडारे ना खोल देवा ता कहना। मतलब गुरुजी मेरी क्या औकात है कि मैं आपके लिए कुछ खर्च कर सकूं, मैं सिर्फ अपने तन की सेवा दे सकती हूँ, बाकी गुरुजी आप खुद जो ले सकते। तो उन्होंने देखो मेरी बेटे की फीस से लेके मेरे बेटे की दवाई इलाज, मेरा घर चलाना सब कुछ गुरुजी ही करते हैं। मेरे लिए कौड़े वचन कौड़े बोल सुन के ता देख, कृपा ना बरसा देवा ता कहना। मतलब कि मैं ना कई बार कुछ संगत हमें ऐसी भी मिलती है जो गुरुजी को कहती है कि गुरुजी सिर्फ आंटियों से पैर दबाते थे, गुरुजी कैसे मतलब आंटियों को प्यार करते थे हमें नहीं करते थे। तो मतलब मैं ना कभी ना उनसे आर्ग्यू नहीं करती कि गुरुजी अच्छे हैं या बुरे हैं, मैं सिर्फ सुनती रहती हूँ क्योंकि गुरुजी जवाब देंगे। अगर जवाब मैं देने लगी तो गुरुजी कहेंगे मेरा क्या काम है, तो इसलिए मैंने कभी जवाब सिर्फ मैं सुनती हूँ। मेरे मन आके ता देख, तेरा ध्यान ना रखा ता कहना। गुरुजी जब मैं घर में होती थी ना मैं बहुत परेशान हो जाती थी, लेकिन कई बार सत्संग का मैसेज आता था और ना ऐसे आत्मा की भूख होती थी कि लगता था जाना है, बस मैं वहां जाती थी और मैं ना इतनी रंग में रंग जाती थी कि मुझे लगता था ना कि दुनिया में इससे अच्छा दरबार, इससे अच्छा स्वर्ग कोई है ही नहीं। मेरी गला लोकानु कह के ता देख, तेनु मूलवान ना बना देवा ता कहना। गुरुजी ने मेरे को ये सिखाया, सिर्फ मैं गुरुजी के बारे में सबको बताती थी और गुरुजी ने सच में मुझे इतना मूल्यवान बना दिया ना, मैं इतनी मतलब लोगों ने मुझे इतना प्यार किया, सीमा दीदी है चाहे कोई भी है, मतलब शायद ही कोई इतना प्यार कर पाएगा जितना कि मेरी गुरु संगत मुझे प्यार करती है। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी इतना प्यार के लिए। मेरे चरित्र दा जाप करके ता देख, ज्ञान दे मोती
तेरे विच ना भर देवा ता कहना। मैं सिर्फ गुरुजी के बारे में, गुरुजी के मन जाप के बारे में जब बताती थी तो गुरुजी ने मेरे जीवन में ना हीरे मोती से भर दिया। कहते हैं पैसे ही सब कुछ नहीं होता, गुरुजी की संगत का जो प्यार है ना वो मेरे लिए हीरे मोती से कम नहीं है। मैनू अपना मददगार बना के ता देख, तैनू सारिया दी गुलामियां तन ना छुड़ा देवा ता कहना। मैंने सच में अपने गुरुजी को, अपने मालिक को, मालिक भी ना मैंने बहुत बाद में कहना शुरू किया, जब तक मन से नहीं आया तब तक सिर्फ गुरुजी कहती थी, लेकिन आज ना मन कहता है कि आप मेरे मालिक हो, कि आप जैसे चलाओगे मैं वैसे चलूंगी। तो गुरुजी मतलब अब ना मैं पहले भी हर चीज से डरती थी, मैंने ऐसा किया तो कोई मुझे क्या कहेगा, ऐसे करेगा तो क्या करेगा। तो गुरुजी ने मेरी सारी जो जंजीरें थी ना, जो गुलामी थी मेरी लोगों से, वो छुड़वा दी। पहले मुझे लगता था अगर मैं लोगों की गुलामी नहीं करूंगी तो लोग मुझे काम नहीं देंगे, मतलब लोग मुझे सराहेंगे नहीं। लेकिन एक आरती आंटी ने मुझे बताया कि हमें काम संगत नहीं देती, काम इंसान नहीं देते, काम हमें गुरुजी देते हैं। तो हम मतलब वो जो गुलामी थी ना वो गुरुजी ने मेरी वो छुड़वा दी। मेरे वास्ते हैं जो बहा के ता देख, तेरे जीवन में आनंद दे सागर ना बहा देवा ता कहना। गुरुजी कितनी बार जब चाहते ना, ऐसा नहीं होता कि हम सिर्फ तकलीफ के आंसू होते हैं, गुरुजी को मिलते ना ऐसे रोना आता है कि गुरुजी कहाँ चले गए, गुरुजी मतलब अगर होते तो कैसे हम फील करते। तो गुरुजी ने सच में मेरे जीवन में इतनी तकलीफों के बावजूद, जिसके पास पैसा नहीं है, बच्चे की मतलब बीमारी भी है, फीस जमा के लिए भी पैसे नहीं होते, लेकिन उन्होंने इतना आनंद भर दिया मेरे जीवन में कि शायद ही ना मेरे पास पैसे होने के बाद भी मैं वो आनंद का मजा नहीं ले पाती। मेरे लिए कुछ बना के ता देख, तैनू कीमती ना बना देवा ता कहना। गुरुजी मतलब कहते हैं कि मतलब कि मैं क्या बनाऊं गुरुजी मैं आपके लिए, जो मुझे समझ में आता है। तो गुरुजी आपने कीमती तो मुझे वैसे ही बना दिया कि मैं आपकी संगत या आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। संगत तो गुरुजी आप ही जानो, क्योंकि कहते हैं संगत तो सिर्फ मुट्ठी भर है, भीड़ है, मैं उस भीड़ में भी हूँ तो भी मैं बहुत खुश हूँ। गुरुजी जिसमें भी आप मुझे रखोगे आपकी मर्जी। मेरे मारक ते निकल के ता देख, तेनू शांति दूत ना बना देवा ता कहना। जिस दिन से मुझे गुरुजी ने बड़े मंदिर की सीढ़ियां चढ़वा दी, उस दिन से मुझे कोई कुछ भी कह देता है ना मुझे इतना बुरा नहीं लगता, मुझे लगता है कि कोई बात नहीं गुरुजी, जो आप कहलवा रहे हो वो भी ना कहीं मेरी ब्लेसिंग है। इसके ऊपर एक सत्संग है, मैं आपको एक सत्संग सुनाती हूँ। एक बार एक सत्संग में मैंने लंगर की सेवा की और सेवा करने के बाद मेरी बड़ी इच्छा हुई कि गुरुजी की थाली मैं लगाऊं, क्योंकि मेरा मन था कि गुरुजी पहले तो आंखों से खाते हैं ना, कलरफुल खाना बनाया है आपके लिए, तो वही थाली लगाऊं, क्योंकि थाली लगाने में भी आपका भाव होता है। मैंने एक आंटी से बोला, आंटी प्लीज थाली मैं लगा दूं, उन्होंने बोला नहीं आपकी सेवा थी आपने कर ली, अब ये मेरी सेवा है। जबकि ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि मेरी तेरी कुछ नहीं होता, जो जिसको मिल जाए, लेकिन कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ ना कुछ हमारी भलाई होती है। तो उसमें उन्होंने, आंटी ने मुझे ना बोला कि आप पेड़ हो, उन्होंने ये शब्द बोला। मैं गुरुजी से इतना समझ नहीं पाई, मैं 3 दिन लगातार इतना रोई। उस वक्त मुझे नहीं समझ में आया कि आंटी ने मुझे ऐसा क्यों बोला। इसका मतलब बाद में समझ में आया कि गुरुजी के कुछ सेवादार खट्टे, कुछ मीठे, हर तरीके के होते हैं। तो उस सेवादार के थ्रू भी गुरुजी ने मुझे जो रुलवाया था ना, क्योंकि इतनी किसी की औकात नहीं है कि गुरुजी के बैठे होते हुए भी वो हमें कोई कुछ कह पाए। तो इसका मतलब है कि आंटी की कोई गलती नहीं थी, ना मेरी गलती ना उनकी गलती, उनका भाव अपना, मेरा भाव अपना, लेकिन मालिक की मर्जी थी कि हमें कहीं और रास्ते पे लेके जाना था। उस दिन मैं 3 दिन 3 रात रोती रही। मेरी बेटी देख के बड़ी परेशान थी, ये तो मतलब उसको फिट्स पड़ते हैं अभी कुछ टाइम से। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरे को सत्संग में थोड़ा सा परेशान थी, मैंने एक अंकल है डॉक्टर राजेश, मैंने उनको कॉल किया कि अंकल मुझे ऐसे ऐसे आपके पास आना है लेकिन मैं आ नहीं पा रही, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आपके पास वहां तक आऊं। उस दिन अंकल ने पहली बार, ऋषिकेश से ऐसा कभी नहीं हुआ है कि आप जाओ नहीं और आपको दवाई मिल जाए, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं गई भी नहीं हूँ आज तक। मेरी बेटी को 2 साल हो गए दवाई खाते खाते,
लेकिन मैं अभी तक वहां नहीं पहुंची हूँ और गुरुजी ने वहां से दवाइयां मेरी भिजवा दी। तो उस दिन सिर्फ मेरा वही कल्याण होना था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद है कि मेरी मार्ग से निकल के ता देख, मैं तने शांति दूत ना बना देवा ता कहना। तो इसका मतलब बस यही था कि अब किसी की उतनी बात जो पहले बुरी लगती थी ना बातें, अब बुरी नहीं लगती है, अब सबकी ना अच्छी बातें लगती है। अगर कोई बुरी भी बात करता है तो उसमें अच्छाई ढूंढने की कोशिश करती हूँ कि गुरुजी कुछ अच्छा होगा, मेरे लिए कोई मैसेज होगा। जो सिर्फ ना सबके लिए, गुरुजी सबके लिए कुछ अच्छा कर पाऊ, इतनी मतलब मेरी गुरुजी से प्रेयर रहती है कि गुरुजी इस शरीर को मतलब किसी के काम ला पाऊ, अपने आप में मेरे हवाले करके ता देख, तेनू मशहूर ना कर देवा ता कहना। जिस दिन से मैंने गुरुजी से अपने आप को सौंप दिया, उस दिन से गुरुजी ने मुझे इतना मशहूर कर दिया है, इतना सच में गुरुजी ने जो लिखा हुआ है ना वचन सत्य है कि मतलब गुरुजी ने हमें इतना मशहूर बना दिया है कि कुछ ना होते हुए भी सब कुछ है। मेरे कीर्तन करके ता देख, हर किसी नु तेरा बनाना देवा ता कहना। इसका मतलब गुरुजी आखिरी शब्द का यही है कि जो शब्द मैं सुनती हूँ, जो मतलब गुरुवाणी मैं सुनती हूँ, उनसे मुझे इतनी शांति मिलती है कि हर किसी को बस मुझे लगता है कि वो सब मेरे हैं और मैं उनकी हूँ। तो जय गुरुजी। गुरुजी अगर दोबारा मौका देंगे तो कभी और सत्संग करूं। मुझे लगता है गुरुजी के टाइम बहुत हो चुका। थैंक यू संगत जी, आपने इतना सब मेरा सुना। थैंक यू सो मच सुरेश शंकर, आपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म से मुझे जोड़ा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। भावना आंटी आपके तो हम सब स्पीचलेस हैं। आपकी जो जर्नी है गुरुजी महाराज के साथ और जो गुरुजी महाराज की जो आपकी परिवार के ऊपर ब्लेसिंग्स उन्होंने दी हैं शुरू से लेकर आखिर तक, और आगे भी गुरुजी महाराज आपके परिवार के ऊपर ब्लेसिंग बरसाते रहेंगे, हम सब की वही अरदास है कि जो जितना संघर्ष आपने चाहत ने, सबसे ज्यादा चाहत ने, ये सत्संग आपका नहीं था, ये सत्संग चाहत का था, है ना। और बहुत जी अंकल, बहुत ही सुंदर तरीके से, बहुत ही जो जो कष्ट, जो जो कष्टों का निवारण गुरु जी ने किया है, समय समय पर आपको परिवार पर किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं हुई, हर हिसाब से गुरु जी ने आपके समय समय पर सहायता की है। बस वो सहायता हम सब के ऊपर करते रहें गुरु जी महाराज, गुरु संगत के ऊपर। और जिस भावना से आप काम कर रही हो वो प्रेरणादायक है। आपका सत्संग बहुत सुंदर सत्संग था। और मैं ज्यादा न कहते हुए, अविनाश मोदी अंकल, ओवर टू यू। 2 मिनट के लिए मोदी अंकल आप प्लीज। शुक्राना गुरु जी महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। अंकल जो सुनील जी हैं भावना जी के हस्बैंड, वो तो संत हैं, बिल्कुल संत, सचमुच में संत। और भावना जी के साथ अभी जो भावना जी ने पूरा सत्संग नहीं सुनाया है, जो अभी अभी ये अस्पताल में गई थी, तो इनके साथ गुरुजी इनकी स्कूटी में बैठ के गए हैं। मतलब किसी संग, ये बस में जा रही थी तो इन्होंने, किसी ने जो संगत जानती नहीं, ये वो उनको, इन्होंने इनको बिठाया जय गुरुजी बोल के और पीछे हंस के गए वो। जब इन्होंने ये सत्संग मुझे थोड़े दिन पहले सुनाया तो मुझे, मैंने कहा गुरुजी आपके साथ बैठ के गए हैं। और जब आंटी ने मुझे 10 तारीख को सुनाया था कि सत्संग मेरा सुनवा दो, तो मैंने कहा था आपका बहुत जल्दी नंबर आएगा। मैंने अपनी मिसिस से कहा इनका नंबर बहुत जल्दी आना है, क्योंकि इनका गुरुजी में श्रद्धा विश्वास बहुत ज्यादा है और चाहत बेटी के बारे में बड़ी चिंतित रहती थी। तो गुरुजी ने बहुत प्रेरणा दी कि ये बिल्कुल ठीक रहेगी, क्योंकि चाहत का विश्वास, वो गुरुजी पर इतना प्यार करती है चाहत, इतना प्यार उसका वर्णन नहीं है। बहुत और बहुत धन्यवाद।
बहुत प्यारी संगत है, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। जय गुरु जी। अंकल 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 अगर मैं अंकल मेरे को एक अपना एक और सत्संग शेयर करना है, तो अगर आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं हो रहा तो मैं सुना सकती हूँ? हाँ बेटा सुनाओ। अंकल मेरे साथ ही ना, हम लोग मेरे दादाजी के थे, क्योंकि मेरे दादाजी ना उनकी डेथ हो गई थी, सो वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे ना मैं ना कुछ लेने गई थी, तो मैं आ रही थी, मेरा एक कजन है वो ना कुछ गाय के साथ ना खेल रहा था, और उस गाय गुस्से में आके ना मैं पापा ने मेरे को सिखाया कि बेटा जब भी कुछ भी कोई भी जानवर आए तो हिलना नहीं। वही आज मैंने बात कर ली कि मतलब तो गाय मेरे पास आ रही है, और अंकल पता नहीं मैं हिली भी नहीं, और पता नहीं पता गाय ने जो सिंक मारे, पर गुरुजी की इतनी गुरुजी ने मेरे को बचा लिया कि मेरे दूसरे दादाजी हैं उन्होंने ना मेरे को बचा लिया। और मेरे गुरुजी पूछो कितने अच्छे हैं, तो उनकी मेहरबानी से मैं ऐसे बच गई, वरना तो पता नहीं क्या होना था। अगर हम भिवानी गए हुए थे तो वहाँ पे एक सांड को मेरे मतलब कि बच्चे ने ना मतलब वहाँ पे वो उसको छेड़ दिया, तो उस सांड ने चाहत को दोनों सींगों पे अपने ले लिया और उसको पटक दिया एक बार, फिर भी चाहत भागी नहीं, जय गुरुजी करती रही। दोबारा सांड जब आया तो उसको मतलब एक मेरे पड़ोस में कोई है उन्होंने उसको बचाया, लेकिन चाहत को थोड़ी सी चोट लगी, इतने तो एक बच्चा छोटा सा और इतना बड़ा मतलब बुल तो कुछ भी हो सकता था, गुरुजी ने उसकी लाइफ बख्शी, इसीलिए शुक्राना करना चाहती है। शुक्राना गुरुजी महाराज, बहुत अच्छा सत्संग था, बहुत अच्छा सत्संग था। शुक्राना चाहत बेटी, जय गुरुजी। भावना आंटी, आपका सत्संग सुनाने के लिए और आपने इतने अच्छे शब्दों से जो वर्णन किया है, बहुत सुंदर शब्द में वर्णन किया है, बहुत अच्छा लगा है, बहुत प्रेरणादायक आपका सत्संग था। और सबसे बड़ी बात है आपकी मुस्कुराहट, कितनी संघर्षों के बावजूद भी आपने हर पल गुरुजी ने आपकी परीक्षा ली है, खूब निचोड़ा आपको, खूब निचड़ी हो, और उसके बावजूद आप इतने आप मतलब किसी जैसे किसी बात की कोई कमी कभी आपको कभी नहीं आई ना, अभी तक नहीं आई, और आगे भी गुरुजी से वही अरदास है कि आपको कभी भी किसी किस्म की कोई कमी ना आए। आपके सारे बिगड़े हुए काम, पहली बात तो कि आपके काम बिगड़े ही ना, जो भी आपके काम संवरने हैं वो अच्छी तरह से संवरते जाएं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, साध संगत जी का धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने इतनी तल्लीनता से भावना आंटी को सुना और इतने अच्छे सत्संग मेमोरेबल सत्संग के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू पूजा आंटी। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ना मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तुम ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है।
मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ तुम्ही से मिला है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। किया कुछ ना मैंने शर्मसार हूँ मैं तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है तेरा शुक्रिया है तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी मेरा कुछ नहीं सब है दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता तू ही सब को देता तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। Oh.
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी, लव यू गुरुपा। नाम से